यह सुसमाचार जिसका अंग्रेजी शीर्षक ए सुपर सेंस व हिंदी शीर्षक एक सर्वोत्तम चेतना है, इसे 20वीं शताब्दी के भविष्यद्वक्ता व प्यारे भाई विलियम मेरियन ब्रैनहम ने 27 दिसंबर 1959 को ब्रैनहम टैबरनेकल जेफरसनविले इंडियाना संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार किया था। हिंदी अनुवाद व आवाज क्रिस्टोफर मैसी की है। I'm still feasting also on that blessing this morning. मैं भी आज सुबह जो आशीष हमें मिली उनसे अभी तक आनंद मगन हूँ। All the exceedingly abundantly. कितनी अपार अत्यधिक आशीष हमें दी गई हैं। It's unknown the things that God would do for us when we assemble ourselves together. जब हम उसके नाम में जमा होते हैं तो पता ही नहीं होता हमें कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ करने जा रहा है। Have you noticed since we made this consecration to God how the things has been going here? जब से हमने स्वयं को परमेश्वर के लिए अलग किया है यहाँ पर कैसी कैसी चीजें हुई हैं? Blessing after blessing, power after power, glory after glory. आशीषों पर आशीषें, सामर्थ पर सामर्थ और महिमा पर महिमा मिलती जा रही है। Just been wonderful. ये बड़ा अद्भुत समय बीत रहा है। And he will continue to do so. और परमेश्वर निरंतर ऐसा ही करता रहेगा। Amen. These handkerchiefs, I have prayed over those that someone here they belong to. ये वस्त्र जो यहाँ पर किसी न किसी ने भेजे हैं, उन पर मैंने प्रार्थना कर दी है। Now, I just want to comment just a moment or two. अब मैं एक दो क्षण के लिए अपने विचार प्रकट करूंगा। And first, thanking all you for your fine Christmas present of the suit of clothes that you had gotten me. सबसे पहले मैं आपको उन बढ़िया वस्त्रों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो आपने मेरे लिए क्रिसमस उपहार में दिए हैं। Is that what was in yours, Brother Neville? भाई नेविल, आपको भी कपड़े ही दिए हैं ना? Yes, yes. Suit of clothes. जी हाँ, इन्होंने मुझे कपड़े दिए हैं। Well, preachers can always use a suit of clothes. प्रचारक हमेशा सूट इत्यादि प्रयोग में ला सकते हैं। Wonderful, that's good. बहुत बढ़िया है, बड़े अच्छे हैं, सुंदर हैं। Now, they perspire and that sweat rots clothes quicker than anything I know of, you see. अब देखिए कि मैं पसीने में नहा जाता हूँ और पसीने से वस्त्र जल्दी गल जाते हैं। And it just takes a lot of clothes to hold a preacher. और एक प्रचारक को काफी वस्त्रों की आवश्यकता होती है। And good clothes, real cheap cotton cloth will just rot out just in a little bit. और सस्ते सूती वस्त्र तो थोड़े समय में ही खराब हो जाते हैं। So a good suit like that will have some wear in it. इसलिए ये वस्त्र जो अच्छे कपड़े के हैं काफी दिन तक चल सकेंगे। Just think, you are supporting and giving these clothes to the servant of the Lord. बस जरा सोचिए कि ये वस्त्र आपने प्रभु के एक सेवक को दिए हैं और उसकी सहायता करी है। And the Lord bless you. और प्रभु आपको आशीष दे। Jesus said, "In so much as you have did unto the least of these my brethren, you have done it unto me." यीशु ने कहा था कि जो कुछ तुम इन छोटे से में से छोटों के साथ करते हो वह मेरे साथ करते हो। So therefore you never bought two ministers a suit, you bought two suits for Jesus. अतः आपने ये सूट दो सेवकों को नहीं दिए वरन एक तरह से यीशु मसीह को दिए हैं। That's what he said, you have did it unto me. ये उसने ऐसा ही कहा था कि ये तुमने मेरे साथ किया है। But that little heavenly touch this morning, did you notice it? क्या लेकिन आपने देखा था कि आज प्रात कैसी सुखद स्वर्गीय आशीषों की अनुभूति हुई थी? No altar call, no nothing. ना तो कोई बुलाहट, कोई पुकार, कुछ भी ना किया था, परंतु पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम भर उठे थे। But just after the message and the refreshing of the Holy Spirit bathing upon the people. सुसमाचार प्रचार के तुरंत बाद मानो हम पवित्र आत्मा की सामर्थ व उपस्थिति में जैसे नहा गए थे। Glory of God moving. परमेश्वर की महिमा वहाँ चल फिर रही थी। They just began coming up and down, all around.
वहाँ लोग ऊपर नीचे सभी ओर आशीषित हो रहे थे. And I noticed some real good Baptist friends of mine from the Walnut Street Baptist Church in Louisville. और मैंने बैप्टिस्ट चर्च वॉलनट स्ट्रीट लुजीविला से आए अपने कई मित्रों को भी वहाँ देखा था. Standing in the aisle, just bathing in the power of God. Oh my! हे प्रभु, वे भी ऊपर भवन में खड़े परमेश्वर की सामर्थ से ओतप्रोत हो गए थे, भर उठे थे. I met them after the service and he said, "That's the power of God." I said, "That's right." और जब मैं बाद में उनसे मिला था, तो उन्होंने कहा था कि यह परमेश्वर की सामर्थ है, और मैंने कहा था, यह सही है. You're sure right. ऐसा ही है, ठीक बात है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. The power of God, and you just can't find words to say. परमेश्वर की सामर्थ आप जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते. You just don't know what to say. आप उसकी बाबत कुछ बता नहीं सकते, उसके लिए शब्द नाकाफी हैं. The Holy Spirit just takes the meeting and you don't know what he's going to do with it. पवित्र आत्मा सीधे पूरी सभा को अपने हाथ में लेकर उसमें कार्य करने लगता है और आपको कुछ पता नहीं होता कि क्या होने जा रहा है. Quietly, sweetly, humbly, broken up. सारा काम अत्यंत शांतिपूर्ण, शांत, मधुर, नम्र, सौम्य वातावरण में होता चला जाता है तथा लोगों के हृदय परमेश्वर के लिए टूटते चले जाते हैं. Oh, brother Pat, that's just heaven to me. ओ भाई पैट, मेरे लिए तो यह स्वर्ग के समान बन जाता है. I'm just one of these old fashioned type that likes that feeling in it, you see. मैं तो पुरानी चाल का मसीही जन हूँ और इस प्रकार की अनुभूति मुझे अत्यंत अच्छी लगती है. Like the late Paul Rader. ये बात स्वर्गीय पॉल रॉडर की तरह की बात की तरह है. He said to his one time he was telling a story. एक बार उसने एक कथा सुनाई थी. He said he and his wife was sitting at the table. उसने बताया था कि वह और उसकी पत्नी एक बार नाश्ते की मेज पर थे. She wanted to go somewhere or do something and he kept saying to her. और उसकी पत्नी उस दिन कहीं जाना चाह रही थी या कुछ करना चाह रही थी, मगर वह अपनी पत्नी से वैसा करने के लिए मना करता रहा और यही कहता रहा, I just can't do it and so forth, and he'd cut her a little short. कहता रहा कि मैं ये नहीं कर सकता आदि, और उसने अपनी पत्नी की बात काट कर उसे अस्वीकार कर दिया था. So he looked around at her and the tears was coming down her cheeks. और जब उसने पत्नी की ओर देखा तो आंसू उसके गालों पर बह रहे थे. And he said to her, he said, well, now, thought in his heart. और उसने देखकर उसे, उसने अपने मन में सोचा, if she's that easy hurt, just let her stay hurt. अगर मेरी इतनी सी बात से उसे इतनी चोट पहुंची है तो पहुंचने दो. So he, like a man, like he folded up his paper and laid it down on his plate. तो पुरुष किसी कठोरता संजोए उसने नाश्ता समाप्त किया और अपनी प्लेट सरकाकर खड़ा हो गया. And she always stood at the door and kissed him goodbye. जब वो घर से अपने काम पर जाने के लिए निकलता था तब उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी होकर उसे विदाई देती थी तथा प्यार करती थी. And then when he got the gate, she'd wave at him. और जब वह द्वार से बाहर जाता था तो वह हाथ हिलाकर विदा कहा करती थी. And then that would take care of it, you know, till he got back from his office. और जब तक वह ऑफिस से न लौटे यही अलविदा उसकी मधुर सुरक्षा बन जाती थी. And so that morning said when they started out, why the at the door, why she standing at the door. और उस प्रात जब वो बाहर जाने को चला तो उसकी पत्नी हमेशा की तरह द्वार पर खड़ी थी. He kissed her. और उसने उसे प्यार किया. Walked on out the end of the gate. और वो बाहर द्वार तक चला गया. Opened the gate, looked back, she stands at the door with her head down, still hurt. और वहां मुड़कर देखा तो उसकी पत्नी अभी भी वहां खड़ी थी मगर उसने सिर झुका रखा था और वो उदास थी. Said he wave, bye bye. Said she wave, bye bye. और उसने अपने कथा में बताया कि उसने अपने हाथ हिलाए और जवाब में उसकी पत्नी ने भी हाथ हिलाकर विदाई दी. So he started down the street. और वो सड़क पर आगे बढ़ा. And he began to think. और वो स्थिति पर कुछ सोचने लगा. What if something happened to me before I get back home? क्या होगा यदि घर लौटने से पूर्व ही मुझे कुछ हो गया? Or what if something happened to her before I get back? या उसे ही कुछ हो गया इससे पहले कि मैं घर लौटूं? God would call us off the scene.
और अगर परमेश्वर हमें धरती से उठा लेगा तो क्या होगा? And as good a woman as she's been, how sweet she is, and so forth. और वो सोचता रहा कि वह कितनी प्यारी और भली स्त्री है, ऐसी ऐसी बातें सोचता रहा. And said, farther he got, more swelling his heart began. और जितना वो सोचता चला गया उतना ही उसका मन भारी होता चला गया. And so he just turned and run back. अतः वह मुड़कर घर की ओर दौड़ पड़ा. Opened up the gate, run in the house, opened up the door. और उसने बाहर का द्वार खोला और घर की ओर दौड़कर अंदर गया और अंदर का द्वार खोला. When he opened up the door, he heard something crying. Looked around, she's standing behind the door. और जब उसने घर का द्वार खोला तो उसे किसी के रोने की आवाज आई. उसने चारों तरफ देखा तो पत्नी को दरवाजे के पीछे खड़े पाया. Said he never said forgive me. He never said I apologize. He never said nothing. तब उसने बताया कि उसने पत्नी से ना तो क्षमा मांगी और ना ही क्षमा संबंधी एक शब्द भी कहा. Said he just grabbed her and kissed her again. Turned around, walked back out. और उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को गले से लगाया, चूमा और मुड़कर बाहर चलता चला गया. Said he got out to the gate. Said she was standing at the door again. और बाहरी द्वार पर आकर उसने देखा कि उसकी पत्नी दोबारा द्वार पर खड़ी थी. He said bye and she said bye. और उसने विदा कहा और उसकी पत्नी ने भी विदा कहा, बाय बाय कही. Said just like she did the first time, but the last time had a feeling in it. उसकी पत्नी ने पहले की तरह से ही विदा कहा था, मगर इस बार उसके विदा कहने में उसकी अपनी भावनाएं छिपी थीं। So that's the way it is. आप देखिए कि ऐसा ही होता है. When it's got a feeling in it, you see that it's really something from God. और जब इस प्रकार की विशेष अनुभूति हमें प्रार्थनाओं में होती है तो वह वास्तव में परमेश्वर की ओर से ही होती है. Amen. Now, in the nomination a few moments ago of a new trustee, Brother Southman. अभी कुछ क्षण पूर्व भाई साउथमैन को नए ट्रस्टी पद पर मनोनीत किया गया है. I'm sure that the trustees and all are aware now. सभी लोग इस प्रक्रिया से परिचित हैं. That at the end of fiscal year, in 1st of January. कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक 1 जनवरी को सभी पदों की अवधि समाप्त होती है. That all offices of the church, such as pastors and deacons and so forth, expires. चर्च के सेवक, डीकंस आदि के पदों की कार्य अवधि समाप्त होती है. Then, if they want to continue on, तब यदि वो अपने पदों पर फिर से बने रहना चाहें तो. Not pastors, I didn't mean that. यहाँ पर मेरा मतलब पास्टर्स या सेवकों से नहीं है. I mean trustees and deacons and Sunday school teachers and so forth. यहाँ पर मेरा मतलब ट्रस्टी, डीकंस, संडे स्कूल टीचर्स आदि से है. The pastor is elected in by the church and he stays until. पास्टर तो कलीसिया चुनती है और वह तब तक बना रहता है, वो बना रहता है. And then if the present board of trustees are deacons are Sunday school teachers. और जब बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज डीकंस या संडे स्कूल शिक्षक if they want to continue on, अगर वो आगे भी बने रहना चाहें तो they just continue on, तो वो बने रह सकते हैं अपने पद पर. If they don't, then they have to resign if they don't want to continue on. और अगर वो आगे अपने पद पर बने ना रहना चाहें तो उनको त्याग पत्र देना होता है. And there's nothing against them. और अगर उनके विरुद्ध कोई बात ना हो तो then they continue on for the next year. तो वे अगले वर्ष के लिए अपने पदों पर बने रह सकते हैं. And then if they do not continue on, then they have an election. और अगर वे त्याग पत्र देना चाहें तो रिक्त पदों के लिए चुनाव होता है. And appoint some other trustee or whatever the office was. और उन पदों के लिए दूसरे लोगों की नियुक्ति करी जाती है. Therefore, it doesn't pin a man down to his lifetime to serve on a board. इस प्रकार अपने जीवन भर के लिए किसी को भी जबरदस्ती बोर्ड पद पर नहीं रखा जाता. But as long as he feels that God is with him and helping him and he wants to do his part. लेकिन वह तभी तक बना रहता है जब तक वो सोचता है कि परमेश्वर की इच्छा उसके लिए ऐसी ही है और वह अपनी भागीदारी निभाना चाहता है. Or her part, whatever it might be, to continue on with the work of God.
या निभाना चाहती है, यानी परमेश्वर के कार्य में सहयोग देना चाहती या चाहता है। We are always happy to have them to serve with us. ऐसे लोगों के लिए हमें प्रसन्नता होती है कि वे हमारे साथ इस काम के करने में सहयोगी बने रहें। But that way it gives a person a chance to serve for a year and see how they like it. मगर देखिए, इस प्रकार लोगों को एक वर्ष तक सेवा करने का अवसर मिलता है और ये देख लिया जाता है कि उसका काम लोगों को कैसा लगा। Some of our trustees stay on for years and years and years, and deacons also. हमारे बहुत से ट्रस्टीज व डीकन सालों साल काम करते चले आए हैं। And that's perfectly fine. और ये बड़ी अच्छी बात है। But then there's no set time. लेकिन कार्य अवधि की कोई निश्चित सीमा नहीं है। If the trustee or pastor or someone on the board doesn't feel that they can serve any longer or moving out. अगर कोई ट्रस्टी, सेवक या बोर्ड का कोई सदस्य यह अनुभव करता है कि वह अब आगे काम नहीं कर पाएगा और उसे जाना होगा, तो Then they just notify the church that they can get somebody in their place. तो वह इसकी सूचना कलीसिया को देकर किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह पेश कर देते हैं। That's what's taking place here, but tonight. आज रात यहाँ ऐसा ही किया गया है। With the brother Morgan, brother William Morgan resigning as trustee, they needed another trustee. भाई विलियम मॉर्गन ने ट्रस्टी पद से त्याग पत्र दे दिया है और उनके स्थान पर नियुक्ति होनी थी। And brother Softman was appointed as trustee in another time and then was tonight received on the board. और भाई साथमन को पहले ट्रस्टी बना लिया गया था और आज रात उन्हें बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। It's official as long as the church. In our church, it's the sovereignty of the church. जब तक हमारी कलीसिया ऐसा करने की अनुमति देती है, ऐसा करना उचित है, क्योंकि इस बारे में कलीसिया ही संप्रभु है। The church moves or puts in the trustee. कलीसिया ही ट्रस्टी को चुनती है और वह कलीसिया का प्रतिनिधित्व करता है। The church moves the pastor or puts in the pastor, whatever it is the church and all. और इस तरह सेवक या पास्टर होता है, सच में सभी में कलीसिया ही विद्यमान होती है। That's apostolic. यह एकदम पूरी तरह से प्रेरितों की ही कार्यविधि है। That's the way it was did in the Bible time. ऐसा ही पवित्र शास्त्र में दिया गया है। Therefore, we feel that no one person then is a dictator or something in the church. We don't want that. और हम समझते हैं कि कोई एक व्यक्ति हमारा शासक नहीं है और हम ऐसा चाहते भी नहीं। Every man, every person, myself. यहाँ का प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जन, मैं स्वयं, सभी के पास एक ही मत है। And voting in anyone has just got one vote, just like any other person of the church here, just one vote. यहाँ पर बाकी सभी की तरह सभी को केवल एक ही मत डालने का अधिकार है, चाहे वह गिरजे का कोई भी सदस्य हो, सभी के पास केवल एक ही मत है। This is what I say. It's what the church says. ऐसा मैं नहीं, वरन यह चर्च कह रहा है। What the church says in the body. You like that? कलीसिया जो कुछ भी अपने में कहती है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? Oh, I think that's just scriptural. That's the way it should be. मैं सोचता हूँ कि ये सब वचनानुसार है और ऐसा ही होना भी चाहिए। Now, this is going to be a great week for me coming tomorrow, the Lord willing. अब अगर प्रभु चाहेगा तो आने वाला सप्ताह जो कल से शुरू होगा मेरे लिए महत्वपूर्ण होगा। I've got to make decisions for the coming year. मुझे इसमें आने वाले वर्ष के लिए फैसले करने हैं। With all the invitations, I want to go out to the office and pick up all my invitations and bring them home. मुझे उन निमंत्रण पत्रों पर निर्णय लेने हैं जिनमें मुझे बाहर दूसरे स्थानों पर बुलाया गया है और मैं ऑफिस से उन सभी निमंत्रणों को अपने घर ले जाकर उन पर विचार करूंगा। Therefore, for the next few days, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में इसी में लगा रहूंगा। I go to prayer to God and pray for Him to guide me and show me which way to go and what to do. मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो मुझे मार्ग दिखाए कि मुझे कहाँ जाना और क्या करना है। We don't live in a time like it was when he was here. अब हम उस समय में नहीं रह रहे हैं जैसा कि पहले जब वह यहाँ था।
तब रहा करते थे और उस समय यीशु मसीह उन्हें स्वयं अपने साथ लिए चलता था। वह कुछ समय तक एक नगर में ठहर कर फिर दूसरे नगर में चला जाता था। But today it's on a different system. It's a setup. लेकिन आज का हिसाब दूसरा है। अब सब कुछ एक प्रबंध के अंतर्गत है। Ministerial groups and a lot of things has to be done. अब तो प्रार्थना सभाओं के लिए अनेक प्रकार के प्रबंध पहले से करने होते हैं। And the way I do it, और मैं तो इसे अपने ही ढंग से तय करता हूँ कि मुझे कहाँ जाना है। I bring in all my African invitations and lay them down. All the India invitations. मैं अफ्रीका से और इंडिया से प्राप्त सारे निमंत्रण पत्रों को अलग अलग एक जगह जमा कर देता हूँ। All the California, the Utah, and all different invitations, and put them separately in piles. अन्य स्थानों कैलिफोर्निया, उटाह आदि के निमंत्रणों को भी अलग अलग ढेर लगाकर रख देता हूँ। I'll let them lay. और फिर वो वैसे ही रखे रहते हैं। And then I take to walking and praying, maybe get him a car and be gone a day or two. और तब मैं केवल दुआ करता रहता हूँ, टहलता और प्रार्थना करता रहता हूँ और कभी कभी अपनी कार लेकर एक दो दिन के लिए कहीं निकल जाता हूँ और प्रार्थना करता रहता हूँ। Come back, praying. वापिस आकर भी प्रार्थना ही करता रहता हूँ। Something comes on my heart to go to a certain place. और तब मेरे हृदय में किसी एक खास जगह पर जाने के लिए बोझ उभरता है। Then I see if it's just an impression. और तब मैं ये देखता हूँ कि ये वास्तविक बोझ है या मात्र एक प्रभाव है। Then afterwards, then I, if it's impressed me so hard, तब यदि वो बोझ बढ़ जाता है तो I go to this pile where this certain place is. मैं उस एक ढेरी को देखता हूँ जिस स्थान के लिए बोझ मिला है। Then pick me up a letter and read it, of invitation to see where it's at. तब उसमें से एक निमंत्रण पत्र लेकर पढ़ता हूँ कि वो जगह कौन सी है। Then from there, here's the reason I do that. मैं ऐसा क्यों करता हूँ इसका एक कारण है। You think of riding about 72 hours on a plane. आप सोचिए कि 72 घंटे हवाई जहाज में यात्रा करनी है। In the storms and up and down and around, if you ever rode overseas. और यात्रा में तूफान भी हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर उधर हिचकोले खाता है वायुयान, और अगर समुद्र के ऊपर से कभी आप उड़े हों तो आपने देखा होगा। Don't know, sometimes you're up and sometimes it's down and swinging. आपको पता नहीं चलता कि कब वायुयान ऊपर नीचे कब किधर होगा और हिचकोले खाएगा। And rocking and pitching through them clouds and over that water. उस मौसम व बादलों को चीरता वायुयान नीचे फैले अथाह जल के ऊपर से उड़ता जाता है। For 3 days and nights. और 3 दिन रात तक वह यात्रा चलती रहती है। Then you step off onto a land and the first thing meets you is Satan. और इस यात्रा के बाद जब आप किसी जगह पर कदम रखते हैं तो पहली चीज जिससे आपकी भेंट होती है वह शैतान होता है। Well, the ministerial group said this, some of them divided on the vote and some for. और आपको सुनने को मिलता है कि सेवकों के समूह ने ये कहा है, वह कहा है, या इस बाबत मत डाले गए थे और इस सभा के संबंध में मत बट गए हैं वगैरह वगैरह। See, then you might say this, well, maybe the Lord didn't want me to come. आप समझे? तब आप ये सोचने पर बाध्य होते हैं कि शायद परमेश्वर नहीं चाहता कि आप इस जगह पर जाएं। But when you're sent of God, you're ready to meet the enemy. किंतु जब आप पहले से उसकी इच्छा अनुसार उसके द्वारा भेजे जाते हैं तो आप शैतान का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। You see, I step here in the name of Jesus Christ. तब आप यही कहते हैं कि मैं यहाँ यीशु मसीह के नाम में आया हूँ। I come in the name of the Lord Jesus. Here I stay till his work's accomplished. मैं प्रभु यीशु के नाम में यहाँ आया हूँ और जब तक उसका काम पूरा न हो जाए यहीं रुका रहूंगा। And you are ready to meet the forces. तब आप सभी विरोधी शक्तियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। So you love me, I know you do, so pray for me this week. आप मुझे प्रेम करते हैं मैं जानता हूँ, अतः इस सप्ताह आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। That I'll make the right decisions by the inspiration of God will lead me. ताकि मैं सही निर्णय ले सकूं कि मुझे कहाँ जाना है और ये काम परमेश्वर की प्रेरणा के निर्देशन में कर सकूं। I'm going to have a few little What I call little jump meetings. अब मैं इसके बाद छोटी छोटी कुछ सभाएं लूंगा
जिन्हें मैं जंप मीटिंग्स का नाम देता हूँ. I'm going down into Florida the 8th, 9th and 10th of this month or Tifton, Georgia. इस माह की 8, 9 और 10 तारीख को मैं फ्लोरिडा या टिफ्टन जॉर्जिया में सभा करूंगा. Tifton, Georgia, the 8th, 9th and 10th of January. I meant to say instead of this month. टिफ्टन और जॉर्जिया में मेरा मतलब है इस माह नहीं वरन जनवरी 8, 9 और 10 को वहां होऊंगा. And then I've got to go to Glasgow, Kentucky and perhaps Somerset, Kentucky. और उसके बाद मैं केंटकी प्रांत के ग्लासगो या शायद समरसेट को जाऊंगा. And one night maybe Campbellsville, Kentucky. और शायद एक रात के लिए कैम्पबेल्सविले केंटकी भी जाऊं. And brother Rogers wanted me to come one night to his place which we got had to miss him the other time. और भाई रोजर्स भी चाहते हैं कि एक रात मैं उनके शहर भी जाऊं जहां हम पिछली बार नहीं जा पाए थे. Now pray for brother Rogers. आप भाई रोजर्स के लिए भी प्रार्थना कीजिए. We were having fellowship today and I caught a hold of his hand and found him in a bad shape physically. हम दोनों आज सहभागिता में थे और मैंने सहसा जब उनका हाथ थामा तो पाया कि वह शारीरिक रीति से काफी अस्वस्थ हैं. So, pray for brother Rogers over here. अतः भाई रोजर्स के लिए प्रार्थना की करिएगा. Took a big lot onto his hands there and it's got him nervous and upset. उन्होंने वहाँ बहुत सा काम अपने हाथ में लिया हुआ है जिसके कारण वहाँ काफी परेशान और वहाँ पर वो काफी हतोत्साहित हैं. He's gotten pretty bad health right now and his wife is very bad. वह और उनकी पत्नी दोनों काफी अस्वस्थ चल रहे हैं. So pray for that little couple, fine children of God. अतः इस युगल को अपनी दुआओं में याद रखिए, यह दोनों परमेश्वर की अच्छी संतानें हैं. Now I told him that, Lord willing, I'd get him a night. और मैंने उनसे कहा है कि अगर प्रभु चाहेगा तो मैं एक रात उनको जरूर दूंगा. And brother Ruddle, one of our little sister churches up here on 62. और भाई रडल हैं जो ऊपर 62 नंबर पर हमारी सहयोगी कलीसिया में हैं. Little old bashful boy. वे एक शर्मीले से नवयुवक हैं. One long year and couldn't even look up. वह अक्सर यहाँ आते थे और किसी की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते थे. And he would come up to the house and I guess people thought he was a regular pest. वे घर आते थे और मैं सोचता हूँ कि लोगों ने उन्हें यही समझा होगा कि वे इस वचन के विरुद्ध हैं और हानिकारक विचार रखते हैं. But there was something about the boy that seemed real. लेकिन उस नवयुवक के साथ कुछ ऐसा था जो वास्तविक प्रतीत होता था. I just kept staying with him and staying with him. Say, brother Ruddle, you can. मैं उनके साथ सहभागिता करता रहा और उनसे यही कहता था कि भाई आप इतनी झिझक छोड़िए और अपने हकलाने की चिंता मत कीजिए, आप लोगों को वचन प्रचार कर सकेंगे. He said, brother Bram, I get up before a crowd, my heart comes up my throat, and I just can't say a word. उन्होंने बताया कि भाई ब्रनम मैं लोगों के समूह के सामने खड़ा हुआ था और उन्हें वचन बताना चाहता था लेकिन शब्द मेरे गले से बाहर नहीं आ पाए. I said, stand there and swallow it back down and speak in the name of the Lord. मैंने कहा आप ऐसे विचारों को अपने से दूर कीजिए और अपने उद्देश्य पर कायम रहिए और प्रभु के नाम से बोलिए. And now he's got a tabernacle the size of this one up here on the highway just doing something. और आप देखिए कि आज रात उनके पास इतने ही आकार का आराधना भवन है और वे वहाँ ऊपर परमेश्वर के वचन प्रचार के कार्य में कुछ ना कुछ कर रहे हैं. Stay with it. इस काम में लगे रहिए. The boy had a call of God. I know his father, his mother, they're very fine people. इस नवयुवक के लिए परमेश्वर की बुलाहट थी. मैं उसके माता पिता को जानता हूँ, वो बड़े अच्छे लोग हैं. And then we ought to have Junie one night down in New Albany. और तब एक रात के लिए हमें न्यू एल्बनी में जूनी के पास भी मिलना होगा. And oh, you know, just little meetings that I can catch a night here and a night there. और आप जानिए कि इसी प्रकार से कई जगहों पर जाना है, एक रात इधर, एक रात उधर, इधर उधर सभाएं लेनी है. Until if everything plans according to schedule, about the 25th of January. अगर सभी कुछ सोचे हुए कार्यक्रम के अनुसार चलता रहा तो मैं 25 जनवरी के आसपास I'll be leaving for Miami for the World
International Convention of the Full Gospel Christian Businessman. मैं फुल गॉस्पल क्रिश्चियन बिजनेसमैन द्वारा आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल कन्वेंशन में भाग लेने मियामी जाऊंगा. And from there to Kingston, Haiti, down in the South America and up to Mexico. फिर वहां से किंगस्टन, हैती, साउथ अमेरिका जाऊंगा और फिर मेक्सिको पहुंचूंगा. And from there into Africa, from Africa up into the Scandinavian and so forth like that. फिर वहां से अफ्रीका में जाऊंगा और आगे स्कैंडिनेवियन आदि स्थानों में जाना है. The biggest part of the year, I believe, will be taken up in overseas meetings. साल का अधिकांश समय समुद्र पार की सभाओं में बिताने का विचार है. So pray for me. I must make the right decision. अतः मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं सही निर्णय ले सकूं. Now that's just if it be the will of the Lord. अब ये सब जो कार्यक्रम है वह तभी हैं जब परमेश्वर प्रभु की ऐसी इच्छा होगी. If not, I'm willing to go anywhere, any place, it doesn't matter where it is, I want to go. यदि उसकी इच्छा न हुई तो मैं उसकी इच्छा अनुसार किसी भी स्थान पर जाने के लिए तैयार हूँ. इससे कुछ मतलब नहीं कि कहाँ जाना होगा, मैं वहाँ पर जाने के लिए तैयार हूँ. But as long as I'm able to stand in this dust of the earth that God has put me in, जब तक परमेश्वर मुझे इस धरती की मिट्टी पर खड़ा रखेगा, I want to preach his unsearchable riches until death takes me from this body. मैं चाहूंगा कि जब तक मौत मुझे अपने आगोश में ना ले ले, मैं उसके असीमित अथाह धन रूपी वचन का प्रचार करता रहूं. That's my determination. By the grace of God, if he'll only help me. मेरी सहायता अगर परमेश्वर करता रहेगा तो उसके अनुग्रह से मेरा पक्का इरादा यही है. If he takes his hand away from me, the devil will slay me. अगर परमेश्वर मुझ पर से अपना अनुग्रह का हाथ हटा लेगा तो शैतान मुझे घात कर डालेगा. So you just pray that God will keep his hand of mercy upon me. अतः आप मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर अपनी करुणा का हाथ मुझ पर बनाए रखे. I'm not asking for his justice. मैं उसका न्याय नहीं मांगता. I'm asking for his mercy. मैं उसकी करुणा चाहता हूँ. His justice, no. देखिए कि उसका न्याय, ओह नहीं. I could not stand that. Just his mercy is what I'm pleading. उसके न्याय के सामने मैं ठहर नहीं सकता, मैं तो उसकी करुणा की याचना कर रहा हूँ. Because I know I'm not worthy. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं उसके योग्य नहीं हूँ. Like no one is. और कोई भी नहीं है. We better not ask his justice. We want his mercy. और हमें उसका न्याय नहीं वरन उसकी करुणा दया चाहिए. Now tonight, being a little hoarse, अब आज रात मेरा गला खराब है, आवाज बैठी हुई है. But couldn't turn the opportunity down to speak to this fine group of Christians. लेकिन इतने बढ़िया मसीही समूह के सामने वचन प्रचार करने का अवसर मैं खोना नहीं चाहा. Wait, just before I make this announcement, let me say one thing. इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, आप जरा रुकिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ. While you all are in one heart now, in one accord. अब जबकि आप एक मत और एक मन हैं. And everything running sweetly, let me just give a little 2-minute talk to my church. और सभी कुछ बड़े सुंदर और मधुर ढंग से चल रहा है, मैं केवल 2 मिनट की बातचीत अपनी इस कलीसिया से करना चाहता हूँ. Listen, my darlings in the gospel. सुसमाचार में मेरे प्रिय सहभागियों. My the stars in my crown, if I shall have one. आप जो मेरे मिलने वाले ताज के सितारे हैं, अगर मुझे वो ताज मिला. The purchase of the blood of Jesus. आप जो यीशु के खून से खरीदे गए हैं. I did this for a purpose. Come back like this. मैंने यह एक उद्देश्य से किया है कि मैं यहाँ वापस आया हूँ. We decided that on a hunting trip. हमने यह निर्णय एक शिकार के दौरे के समय लिया था. Brother Roy Roberson, Brother Banks Woods, and I on a trip. भाई राय रॉबर्सन, भाई बैंक्स वुड और मैं एक दौरे पर थे. That we could bring, come back, brother Roy and all of us was talking. और तभी हमने यहाँ वापस आने के बारे में बातचीत करी. मैंने और भाई रॉबर्सन सभी ने यही सोचा. About our pastor, brother Neville. और हमने भाई नेविल जो कि यहाँ सह सेवक हैं, उनके बारे में बात करी. A man is before you all time pastoring and everything. ये भाई नेविल हर समय यहाँ आपकी सेवा करते हैं और सदैव यहीं रहते हैं. You love him, but yet, brother Neville being the co-pastor. और ये थोड़ा सा उनके लिए कठिन सी बात थी कि हम उनसे थोड़ा विश्राम करने को कहें.
It seemed just a little hard for Brother Neville to have to push out into that. परंतु हमने प्रार्थना करी और ऐसा लगा कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है. See? So we prayed and it seemed like it was the Lord's will that I do it. परंतु हमने प्रार्थना करी और ऐसा लगा कि परमेश्वर की भी यही इच्छा है. Now, I asked the Lord if he'd help me, I'd do my best. अब मैं प्रभु से सहायता चाहता हूँ कि वह मेरी मदद करे कि मैं अपनी शक्ति पर सही रीति से काम कर सकूं. And after making my own consecration, और मैंने स्वयं अपने को उसके पवित्र काम के लिए अलग किया है. And after making, having the church to do so, और कलीसिया को भी पवित्रतम बने रहने को कहा है. Now, if God blessed us the way he has in the last few meetings with that little consecration, और हमारी इस थोड़ी सी पवित्रताई में ही पिछली सभाओं में उसने हमें कितनी अधिक आशीषें दी हैं. What will he do if we keep it up? अगर हम स्वयं को निरंतर पवित्र बनाए रखें और उसके लिए स्वयं को समर्पित करे रखें तो वह क्या कुछ न करेगा. See? Just keep it up. Now listen. अब ऐसे ही बने रहिए और सुनिए. You're in love with one another. आप एक दूसरे से प्रेम करते हैं. How I see you standing in the aisles this morning and this week with your hands to God. मैंने आपको आज प्रातः अपने हाथ परमेश्वर की ओर उठाए गिरजे के पार्श्व भाग में खड़े रोते देखा है. And the lovely spirit moving around over you. और प्यारा पवित्र आत्मा आपके मध्य चल फिर रहा था. Now don't you listen to one foul thing the devil's got to say. अब आप शैतान की कोई भी बात मत सुनिए जो वो आपसे कहता है. If the devil shows you some or tells you something evil about one of the members of the body of Christ, don't you believe it. देखिए कि अगर शैतान मसीह की देह के किसी भी सदस्य के लिए कुछ भी गलत बात दिखाता है या कुछ कहता है तो उस पर आप जरा भी विश्वास मत करिए. For as soon as you believe it, you mar your experience. क्योंकि जो ही आप उसकी बात पर विश्वास करेंगे आप अपने अच्छे अनुभव को विकृत कर देंगे. And if you see one of the members of the body of Christ doing something evil, don't tell nobody else. अगर आप मसीह की देह के किसी सदस्य में कोई बुराई देखें तो उसको किसी को भी मत कहिए. But go to that member and with love, मानन उससे बड़े प्रेम सहित मिलिए और समझाइए. And see if you can't bring them back to Christ again. और अगर आप उसे मसीह के पास वापस ना ला पाएं, and if you can't do it, then tell one person and let them go with you. तो किसी एक जन को बताइए और उसको अपने साथ उससे मिलने ले जाइए. Do it the way the scripture says. ये सारा काम वैसे ही करिए जैसा कि वचन में कहा गया है. See? But don't, if somebody says sister so and so or brother so and so, don't you believe one word of it. देखिए कि अगर कोई आपसे किसी भाई या बहन के लिए कहे कि वह ऐसा है या वैसी है तो एक शब्द पर भी विश्वास मत करिए. You just leave it go. और उस बात को अनसुना कर दीजिए. Because remember, it's the devil trying to tear you to pieces. क्योंकि याद रखिए कि यह शैतान है जो आपकी इस मसीह की देह को टुकड़ों में बांटना चाहता है. Now just look for him to come in, cause he'll do it. आप सदैव शैतान की इस प्रकार की बातों के प्रति सचेत रहें क्योंकि वह ऐसा ही करेगा. You let the good man of the house face stand right there and don't you receive one thing. और इन बातों के विरुद्ध अपने हृदय रूपी मकान के सच्चे प्रहरी विश्वास का सहारा लीजिए और शैतान की एक बात भी ग्रहण मत करिए. These people have been set in heavenly places with you. ये सभी लोग आपके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं. Fellowship together around the blessings of God. और वहाँ परमेश्वर की आशीषों के मध्य सहभागिता कर रहे हैं. Taking the communion at the table and the Holy Spirit has witnessed that they are the children of God. वे उसके प्रभु भोज में शामिल हैं और पवित्र आत्मा इसकी गवाही देता है कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं. So let's just be real sweet, kind-hearted, forgiving, loving. अतः उनके प्रति हमें वास्तव में मधुर नम्र हृदयी उनसे प्रेम करने वाले और उन्हें क्षमा प्रदान करने वाला व्यवहार अपनाना चाहिए. And if the other person talks evil against you, you talk sweet against them. अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार करे तो आप उसके प्रति मधुर व्यवहार कीजिए. Watch how sweeter comes to you then. और तब देखना कि वो आपके प्रति कितना मधुर बन जाएगा. That's right. Just always return good for evil, love for hate. ये सच है. हमेशा बुराई के बदले अच्छाई और घृणा के बदले प्रेम कीजिए. And just
Are you feeling better, sweetheart? The little girl in the back. पीछे बैठी छोटी लड़की, क्या तुम अब पहले से अच्छा अनुभव कर रही हो? That's good. I'm so thankful, yeah. ये अच्छी बात है. जी हाँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ. Just went back. She was doubled up back there in a knot. वह वहाँ पीछे लुढ़की सी पड़ी थी और एक गठरी की तरह से दिखाई दे रही थी. And the Lord Jesus has brought her forth now and presented her to the meeting. और प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया और इस सभा तक उसे लेकर के आया. We're so thankful for that. हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं. That's what I left the pulpit for a few moments ago. अभी कुछ समय पहले मुझे इसी बात के लिए मंच से जाना पड़ा था. So they'd prayed and prayed, couldn't get through to the Lord. उन्होंने बताया था कि अनेक बार प्रार्थनाएं करी गई थीं, परंतु उनकी दुआएं प्रभु तक नहीं पहुंच पाई थीं। Now, be sure to do that. अब इस बात को पक्का कीजिए कि आप स्वयं को परमेश्वर को अर्पित करें. Pledge yourself that to God. God, by your grace, that's what I'll do. परमेश्वर को अर्पित करके कहें कि परमेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं ऐसा कर पाऊंगा. No matter when anyone says evil, return good. कोई बात नहीं कि कोई आपसे बुराई करता है, बदले में आप अच्छाई कीजिए. Don't think evil. बुरा मत सोचिए. If you do think evil and you're just hypocritically saying it, then you're wrong. अगर आप मन में बुराई रखकर अच्छी बातें कहें तो आप पाखंडी हैं और गलती पर हैं. You just keep on consecrating yourself to God until you really feel good to that person. आप स्वयं को परमेश्वर के लिए निरंतर पवित्रतम बनाए रखकर व्यवहार करें जब तक कि आप सच्चे मन से उस व्यक्ति के बारे में अच्छा न सोचने लगें. That's the way to do it. यही तरीका है कि आप बुराई करने वाले से व्यवहार इसी प्रकार से करें. Man, the sweetness of God's blessings will just oil just cover your soul. तब परमेश्वर की मधुर आशीषें आपके प्राण व आत्मा में भर जाएंगी. That's the way to live victorious. विजयी जीवन ऐसे ही जिया जाता है. And nothing can harm you as long as you're in love. तब जब तक आप एक दूसरे के प्रेम में बने हैं, आपको कुछ हानि ना हो सकेगी. Well, you say, see, if you have tongues, they'll cease. देखिए कि कहा गया है कि भाषाएं हो तो जाती रहेंगी. And if you have wisdom, it'll vanish. ज्ञान हो तो खत्म हो जाएगा. Prophecies, it'll fail. भविष्यवाणियां हो तो सब समाप्त हो जाएंगी. But when you got love, it'll endure forever. लेकिन अगर आपके पास प्रेम हो तो वह सदा काल के लिए बना रहेगा. And don't love only those who love you, but love those who do not love you. समझे आप? और केवल उन्हीं को प्रेम मत कीजिए जो आपसे प्रेम रखते हैं, वरन उनसे भी प्रेम कीजिए जो आपसे प्रेम नहीं करते. For it's easy for me to love anybody that loves me. क्योंकि ये मेरे लिए आसान है कि मैं अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखूं. But try to love somebody who doesn't love you. परंतु कोशिश करनी है कि उनसे भी प्रेम किया जाए जो हमसे प्रेम नहीं करते हैं. That's where you test whether you're Christian or not. यही वह बात है जिससे ये परख होती है कि आप मसीही हैं या नहीं. Somebody don't love you and yet in your heart you love them. यानी जो आपसे प्रेम नहीं करता, उसके लिए भी आपके हृदय में प्रेम भरा हो. If you don't do that, then just keep holding on to God. अब यदि आप वैसा न कर पाएं, तो परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कि वह आपकी सहायता करे. It's there, 'cause I know it to be the truth. ऐसा होगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि सत्य यही है. Amen. I know that it's the truth. आमीन. मुझे पता है कि सच्चाई यही है. Now, we are going to open up the precious word now. अब हम पवित्र शास्त्र के बहुमूल्य वचन को पढ़ने जा रहे हैं. To the book of Hebrews. And the 11th chapter, just for a short message. एक छोटे से सुसमाचार के लिए इब्रानियों 11 अध्याय में से पढ़ेंगे. Being a little hoarse. मेरा गला खराब और आवाज कर्कश सी है. But I had a wonderful afternoon with brethren and sisters. परंतु आज की दोपहर का समय भाई बहनों की सहभागिता में बड़ी अच्छी तरह बीता. And never got in till almost 6 o'clock. और लगभग 6 बजे तक उनके साथ रहा मैं. And I just run into the room and knelt down at the side of the bed at the bedroom and prayed for a few moments. और फिर लगभग दौड़ता हुआ अपने कमरे में पहुंचा कि कुछ क्षण अपने पलंग के पास प्रार्थना में झुक सकूं. Got up and picked up my Bible and started to read. फिर उठा और अपनी बाइबल उठाकर पढ़ना शुरू किया. And I seen a magazine laying there and I picked it up and it was wrote in Afrikaans, so I couldn't read that.
फिर मैंने एक पत्रिका उठा ली जो वहां पर मुझे रखी दिखाई दी, लेकिन वह अफ्रीकन भाषा में थी, अतः मैं उसे पढ़ न सका। Sometimes in reading you'll strike a word. पढ़ते समय कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शब्द आपको अत्यंत प्रभावित करता है, and that word becomes alive to you. और वह शब्द आपके लिए जीवंत हो उठता है। That's why a minister gets his message. यही वह तरीका है जिससे एक सेवक को प्रचार करने के लिए सुसमाचार प्राप्त होता है। Just start reading the Bible, something. पवित्र शास्त्र में से कहीं से कुछ भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। First thing you know, you strike something. पहली बात यह होगी कि आपका ध्यान किसी विशेष बात पर अटक जाएगा। Then something adds to that something. Something adds to that something. फिर उस पर कुछ और प्रकाशन मिलेगा, फिर उस पर उससे अधिक विचार व प्रकाशन मिलता जाएगा। Then underline it. And just go to the pulpit and read it. God will do the rest of it. तब आप उस भाग को रेखांकित कीजिए और मंच पर जाइए, उसे पढ़िए, बाकी क्या कहना है वह सभी काम परमेश्वर स्वयं कर देगा। You take care of the rest. बाकी क्या करना है यह परमेश्वर स्वयं देखेगा, समझ गए? Now, sometimes you get so carried away to you, make little thoughts of what little notes of thoughts that you've thought of. अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शब्द या पंक्ति पर मनन करते करते आप दूर तक विचारों में बह जाते हैं और फिर उनकी छोटी छोटी टिप्पणियां या संदर्भ लिख कर रख लेते हैं। Sometimes in a meeting where you have to come quickly to the platform. फिर कभी आपको किसी सभा में जब अचानक बिना पर्याप्त समय या जल्दी से कुछ बोलना होता है, आप उन छोटे छोटे सोचे गए विचारों को केवल पढ़िए ताकि उनसे संबंधित सारी बातें फिर से जीवंत तो हो जाएं। Done that many a time. और इस तरह की स्थिति अनेकों बार होती है। Now Hebrews 11, let's read the first verse, beginning. अब इब्रानियों 11 अध्याय में से प्रथम पद से हम पढ़ेंगे। And we'll read quite a few verses. और हम थोड़ी सी पंक्तियां पढ़ेंगे। Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। For by it the elders obtained a good report. क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God. So that things which are seen were not made of things which do appear. Isn't that rich? विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। क्या ये बहुमूल्य बात नहीं है? Let me read that third verse again. Listen closely. मैं तीसरे पद को फिर से पढ़ता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear, is the word of God. विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, यानी कि परमेश्वर का वचन। By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts. And by it being dead yet spake. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God translated him. For before his translation, he had a testimony that he pleased God. विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 500 years of life too. और वह भी 500 वर्ष तक जीवन भर
शायद भाई यहाँ पर 300 वर्ष कहना चाह रहे हैं। But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is and that he is a rewarder of those that diligently seek him. और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by which he condemned the world and became heir of righteousness, which is by faith. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थीं, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Now let us pray just a moment and bow our heads. आइए कुछ क्षणों के लिए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। Lord, our most gracious God and Father, प्रभु मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, we come now into thy presence again with thanksgiving. हम फिर से आपकी उपस्थिति में धन्यवाद सहित आए हैं। Not only are we now feeling that we are in thy presence because that we have bowed our heads to pray. और इसलिए हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम सिर झुकाए प्रार्थना में हैं, अतः आपकी उपस्थिति में हैं। We believe that we are constantly in thy presence. लेकिन हम विश्वास करते हैं कि हम निरंतर आपकी उपस्थिति में बने रहते हैं। Because that the eyes of the Lord run to and fro through the earth. क्योंकि लिखा है कि प्रभु की आँखें पृथ्वी पर आगे पीछे सभी ओर देखती रहती हैं। And you know all things. और आप सभी बातों को जानते हैं, सभी कुछ आपको पता रहता है। And you know the thoughts of the heart. और आपको हृदयों में छुपी विचारधारा भी पता होती है। Therefore, Lord, the reason we bow our heads is to ask this petition. इसीलिए प्रभु इस प्रार्थना व याचना के लिए हम अपने सिरों को झुकाए हैं। That you would forgive us for all of our trespasses and transgressions against thee. कि आप हमारे सभी कसूर व अपराध क्षमा कीजिए जो हमने आपके विरुद्ध किए हैं। And that thy mercy once more would be extended to us. और आपकी दया एक बार फिर से हम पर उंडेली जाए। In so much that you would open our lips to speak and our ears to hear. हमारे कानों को वचन सुनने के लिए और होंठों को स्तुति करने के लिए खोल दें। And that thy word might become real to us tonight. आपका वचन आज रात हमारे लिए वास्तविक जीवंत बन सके। That these few verses that we have chosen to read. ताकि वचन में से यह जो थोड़े से चुने पद हमने पढ़े हैं, might become a great help to every member of thy mythical body on the earth. कि वह आपकी दिव्य देह जो इस धरती पर मौजूद है उसके प्रत्येक सदस्य की बड़ी मदद कर सके। Thy spiritual church, the church of the firstborn. और यही देह आपकी प्रथम फल रूपी कलीसिया है। That church that's been bought by the blood of Jesus. और ये वही है जो यीशु के लहू से खरीदी गई है। That's been washed and has been sanctified. यह धोकर साफ व पवित्र करी गई है। And will be presented to God that day without a blemish or a wrinkle. और यह बिना दाग व झुर्री के उस दिन परमेश्वर को सौंपी जाएगी। How we thank thee to have faith to believe that we are partakers of this goodness of God. कि परमेश्वर की सर्वोत्तम देह का हम भी एक भाग हैं। हम आपका धन्यवाद किस प्रकार से करें? Through the righteousness and mercy of our Lord Jesus. यह सब आपकी धार्मिकता व करुणा है जो प्रभु यीशु के द्वारा हमें मिली है। Praying now that you'll heal all the sickness. हम अब प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बीमारियों को चंगा कर देंगे। Thanking you for touching that little girl. उस छोटी लड़की को आपने छुआ और चंगा किया, आपका धन्यवाद हो। Just a few moments ago, laying doubled in the room in there from pain. वह कुछ क्षण पूर्व
दर्द से बिलबिलाती उस कमरे में दोहरी हुई पड़ी थी। See her walk out that little childlike faith and accepting you and your mercy. जिसे हमने चलते हुए कमरे से बाहर आते देखा, जिसके पास बच्चों का सा विश्वास था और उसने आपको आपकी करुणा को ग्रहण किया। And we thank thee for this. आपको हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। And pray that you'll remember Sister Baker's little loved one over in Kentucky. हम प्रार्थना करते हैं कि आप बहन बेकर्स के छोटे प्यारे बच्चे पर अनुग्रह करें जो कंटकी में है। And the ones that Brother Neville spoke of. और उसे भी याद रखें जिसके लिए भाई नेविल ने प्रार्थना करी है। And oh God, the innumerable camp of the sick everywhere. और हे परमेश्वर, उन असंख्य बीमारों पर भी अनुग्रह करें जो जहां तहां मौजूद हैं। And especially, Lord, those that are unsaved and know thee not. और प्रभु, विशेष तौर पर उन्हें याद करें जो अभी तक उद्धार से वंचित हैं और आपको जानते ही नहीं हैं। If they should die in their sins, they cannot come where you are. यदि वे अपने पापों में मर गए तो उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे जहां आप हैं। We pray that you'll give us witness and power, boldness to speak the word. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सामर्थ्य दें, एक अच्छी गवाही देने योग्य बनाएं और वचन को कह सकने की हिम्मत व दिलेरी प्रदान करें। And wisdom to know when to speak it. और बुद्धि व समझ दें कि हमें कहां कब बोलना है। And then speak to us when we have said enough. हमें बताएं कि जब आपकी मर्जी के अनुसार हम काफी वचन लोगों को बता चुके हैं। That we might walk away and leave the people in the amazement wondering. ताकि हम लोगों के बीच से जब जाएं तो उन्हें वचन के द्वारा आश्चर्यचकित व आनंद पूर्ण हालत में देखें। Of the great Holy Spirit and His work, जो कि पवित्र आत्मा के महान आश्चर्य कर्म से उन्हें प्राप्त होगा। Grant it, Lord. Hear us now, we pray in Jesus' name we ask it. Amen. प्रभु, इस प्रार्थना को सुनकर ग्रहण कीजिए। अब इसको हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। I would like to speak just for a short time upon the subject of senses. मैं अब थोड़े से समय के लिए चेतना या ज्ञानेंद्रिय विषय पर बोलना चाहूंगा। We are taught that the natural man has five senses. हमें पढ़ाया गया है कि शारीरिक मनुष्य के पास पांच प्रकार की चेतनाएं या senses होती हैं। And those five senses control his और वे उस स्त्री या पुरुष की शारीरिक स्थिति को नियंत्रित करती हैं। God gave him these five senses to contact his earthly home. परमेश्वर ने मनुष्य को पांच प्रकार की चेतनाएं दी हैं जिनके द्वारा वह अपने इस शारीरिक घर को चलाता है। And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear. वे चेतनाएं देखना, चखना, अनुभव करना, सूंघना और सुनना है। Those five senses which are known to the natural man. शारीरिक मनुष्य इन पांचों चेतनाओं को जानता है। And they are good. और ये उसके लिए काम की हैं। We cannot operate or live a normal life when one of these senses fail to act. और जब इनमें से कोई एक चेतना भी काम नहीं करती तो हम अपना स्वाभाविक जीवन जीने में असमर्थ हो जाते हैं। Your sight, hearing, feeling, smelling or tasting. आपकी सुनने, देखने, सूंघने, चखने व अनुभव करने की चेतनाएं आपके साथ हैं। We cannot be normal without them. और इनके बिना हम स्वाभाविक जीवन नहीं जी पाते। There's something missing. इनके बिना कुछ खोया खोया सा लगता है। Some portion of life that we cannot contact without that sense acting. जीवन में कुछ भाग ऐसा हो जाता है जिससे हम संपर्क नहीं कर पाते यदि उससे संबंधित चेतना या ज्ञानेंद्रिया न हो। And they're good and they're useful. इसलिए ये सभी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं अच्छी व लाभदायक हैं। And they were given to us by God. और ये सब हमें परमेश्वर ने दी हैं। God gave those senses. परमेश्वर ने ये ज्ञानेंद्रियां हमें दी हैं। But they're given to you as a gift. किंतु ये वरदान के रूप में आपको दी गई हैं। And it depends on how you
What you yield these senses to, और ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन इंद्रियों का उपयोग किस प्रकार की बातों या चीजों में करते हैं. Will be the way that your life is controlled. इसी चुनाव पर आपका जीवन नियंत्रित होता है. The way you yield those five senses. जिस तरह से भी आप इन पांचों चेतनाओं को या ज्ञानेंद्रियों को उपयोग करते हैं वैसा ही आपका जीवन होगा. Your what you see, what you hear. यानी जीवन उस पर आधारित होगा कि आप क्या सुनते हैं. What you taste, smell or feel. या क्या चखते सूंघते या क्या अनुभव करते हैं. Whatever those senses are yielded to, they will dominate you. और जिस प्रकार के विषय में आप इन चेतनाओं का प्रयोग करेंगे वही विषय या स्थिति आप पर प्रभावी होगी असर डालेगी. And we are grateful to God that we have the five senses. हम परमेश्वर के कृतज्ञ हैं कि उसने ये पांचों चेतनाएं हमें दी हैं या ज्ञानेंद्रियां दी हैं. But by no means was these five senses given to you to guide you. किंतु किसी भी तरह से ये हमें इसलिए नहीं दी गई कि ये हमारी निर्देशक बने. They were given to you for earthly contact. ये आपको इसलिए दी गई हैं कि आप दुनियावी संबंध स्थापित कर सकें. But there was given you the sixth sense. लेकिन आपको एक छठी चेतना भी दी गई है. And that sixth sense is belongs only to the Christian. और ये छठी इंद्रिय या छठी चेतना केवल मसीही लोगों के पास ही है. And you cannot have this sixth sense until you become a Christian. आपको ये छठी चेतना तब तक नहीं मिल सकती जब तक कि आप मसीही न बन जाए. Is the only way that you can ever have any more than the five natural senses for the natural person. शारीरिक मनुष्य के लिए पांच ज्ञानेंद्री या चेतना पाने के अलावा छठी ज्ञानेंद्री या चेतना पाने का यही तरीका है कि मसीही बने, वरना पांच शारीरिक इंद्रियों से ही अधिक से अधिक कभी भी उसको नहीं मिल पाएंगी. But sixth sense is better known to the Christian as faith. मसीही लोग इस छठी ज्ञानेंद्री को विश्वास कहते हैं, वह इसी नाम से उसे भली प्रकार से जानते हैं. It's the one that governs and guides you. यही वह ज्ञानेंद्री है जो आपको नियंत्रित करती है व मार्गदर्शन करती है. And it is superior to all the other senses. ये बाकी सभी ज्ञानेंद्रियों से सर्वोत्तम है. It's a superior to all of the senses. The other five senses. ये बाकी पांचों ज्ञानेंद्रियों से या चेतनाओं से सर्वोत्तम है. Now, I would not say that because that we receive the sixth sense. अब मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि यह छठी ज्ञानेंद्री या चेतना हम मसीही लोगों को ही मिलती है. That the five senses are no good no more. तथा बाकी पांच इंद्रियां अच्छी व काम की नहीं है. Yes, they are. जी हाँ, वो काम की हैं. Those five senses were given to you by God. वो पांचों इंद्रियां आपको परमेश्वर की ओर से मिली हैं. And they are to be used. और उनको प्रयोग में लाना है. But when the five senses act contrary to the word of God, then they are lying. लेकिन जब पांचों चेतनाएं या ज्ञानेंद्रियां परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कार्य करती हैं तो वो झूठी बन जाती हैं. Now the sixth sense cannot lie. अब देखिए कि छठी चेतना झूठी नहीं हो सकती. It's a super sense. क्योंकि वह सभी चेतनाओं से ऊपर है, सर्वोत्तम है. And that's what I want to speak about. This morning I spoke on a super sign. और यही वह विषय है जिस पर मैं बोलना चाहता हूँ. आज प्रातः मैंने सर्वश्रेष्ठ चिन्ह पर बोला था. And tonight on a super sense. और आज रात अब मैं सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम चेतना पर बोल रहा हूँ. And the super sense is the Holy Spirit. और वह सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा है. The faith of God that dwells in you. जो कि परमेश्वर का विश्वास है जो आप में वास करता है. And if you let the five senses be yielded to the sixth sense. और अगर आप बाकी पांचों चेतनाओं को इस छठी चेतना के सम्मुख झुका दें, it'll
guide you and bring all the other five senses under control of that super sense. ऐसा करना आपके लिए मार्गदर्शन बन जाएगा और पांचों बाकी इंद्रियां इस छठी इंद्रिय के अधीन हो जाएंगी. For it's so far above the natural sense. क्योंकि यह उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों से कहीं ऊपर है. As a spiritual man is above the natural. ठीक वैसे ही जैसे आत्मिक मनुष्य प्राकृतिक या शारीरिक मनुष्य से कहीं ऊपर होता है. It's as far as high as the heavens is above the natural man and his five senses. यह छठी चेतना शारीरिक मनुष्य व उसकी पांचों ज्ञानेंद्रियों से इतनी ही ऊंची है जितना कि स्वर्ग है. It makes you believe things that you cannot see. यह आपको उन चीजों पर विश्वास दिलाती है जिन्हें आंखें नहीं देख सकती. It makes you act where you do not think the five senses would ever think about it. यह आपसे उस स्थिति में भी काम करने को बाध्य करती हैं आपको जहां आप अपनी उन पांचों इंद्रियों के द्वारा कुछ करने के लिए सोच भी नहीं सकते. The devil can get into these five senses and lie to you. शैतान इन पांचों ज्ञानेंद्रियों में घुसकर आपसे झूठ बोल सकता है. But he cannot touch that super sense. लेकिन वह उस सर्वोत्तम चेतना को छू भी नहीं सकता. That's far beyond his reach. वह उसकी पहुंच से कहीं अधिक बाहर है. That come from God. वह परमेश्वर से मिलती है. It's called faith. उसका नाम विश्वास है. Faith is that great thing. और विश्वास ही वह महान चीज है. And the five senses does not control the sixth sense. और वह पांचों ज्ञानेंद्रियां उस छठी चेतना को नियंत्रित नहीं करती. But the sixth sense controls the five senses. वरन वह छठी चेतना बाकी पांचों पर नियंत्रण रखती है. The super sense controls the natural sense. सर्वोत्तम चेतना उन प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखती है. And the five senses is see, taste, feel, smell, hear. और वह पांच ज्ञानेंद्रियां यानी कि देखना, सुनना, सूंघना, चखना और अनुभव करना है. And the super sense is something that'll make you believe God's word. ये छठी चेतना कुछ ऐसी है कि आपको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करना सिखाती है. For that's the only thing it'll speak about. क्योंकि ये केवल एक उसी के बारे में कहती है. And it'll make you believe for things that you can't see, taste, feel, smell, or hear. और यह आपको उन चीजों के बारे में विश्वास करने को कहेगी जिन्हें आप देख, सुन, चख, सूंघ या अनुभव नहीं कर सकते. Because it'll take God's word. क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में से आपको बताएगी. And it will deliver that word to you. और आपको उसी वचन को देगी. And make you walk contrary to any other thing there is but God's word. और परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाकी सभी बातों के विरुद्ध आप चलने लगेंगे. By faith. Faith does it. यह सब विश्वास से ही होता है, केवल विश्वास से. पैरा. Now, in giving this illustration of the senses. ज्ञानेंद्रियों के बारे में उदाहरण में यही मिलता है कि the natural man is born with these senses, so they are nature-given senses. शारीरिक मनुष्य उन पांचों प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियों के साथ उत्पन्न होता है, अतः यह प्राकृतिक ज्ञानेंद्रियां या चेतनाएं होती हैं. And that's really only thing he'll ever know about it. और उनके बारे में बस मनुष्य होने के नाते ही वह जानकारी रखता है. In his intellectual thinking. अपने बौद्धिक ज्ञान के द्वारा वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के बारे में जानता है. He can only think as a man. वह केवल एक मनुष्य के रूप में ही सोच सकता है. He can see as a man. एक मनुष्य के रूप में ही देख सकता है. He can understand as a man. के रूप में ही समझ सकता है. He can hear as a man. एक मनुष्य के रूप में ही सुन सकता है. But when he becomes governed or regenerated. किंतु जब वह नए सिरे से जन्म लेता है. Or we would call it born again. या जिसे हम दोबारा जन्म लेना कहेंगे. Then that sixth super sense takes a hold of him. तो वह छठी चेतना उस मनुष्य को निर्देशित करने लगती है. In doing so, that super sense raises him up into a spot. और वैसा करने में वह सर्वोत्तम चेतना उसे एक ऐसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा देती है. द
So where he has faith to believe things that he could not hear. जहाँ उसके पास विश्वास आ जाता है कि वह उन चीजों पर भी विश्वास करता है जिन्हें वह सुन नहीं सकता. Things that he could not see. ऐसी चीजें जिन्हें वो देख नहीं सकता. Understandings that he could not understand. ऐसी समझदारी आती है जो उसकी समझ से परे होती है. He believes it anyhow because he's governed by that sixth sense. किसी भी हालत में जैसे भी हो वह उन पर विश्वास करता है क्योंकि वह उस छठी इंद्रिय के द्वारा या चेतना के द्वारा नियंत्रित होता है. That super sense. वही सर्वोत्तम चेतना है. Oh, how marvelous it is to know it. उसके बारे में जानना आहा क्या ही अद्भुत है. And to think how simple it is to believe it. और ये सोचना कितना अद्भुत है कि उस पर सरलता से विश्वास किया जा सकता है. Now you cannot believe it until you are regenerated. अब देखिए कि जब तक आप नया जन्म ना पाए उस पर विश्वास नहीं कर सकते. The Bible said that no man can call Jesus the Christ only by the Holy Ghost. पवित्र शास्त्र कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के कोई मनुष्य नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है. We went through that this last week. इस बारे में हमने पिछले सप्ताह सीखा था. And it's been such a stumbling block, especially to the Pentecostal believing people. और यह ठोकर का कारण बन जाता है खासतौर से पेंतिकोस्तल विश्वास करने वाले लोगों के लिए. When they hear me say that Jesus said in Saint John 5:24. क्योंकि वह मुझे यह कहता सुनते हैं कि संत यूहन्ना 5:24 में यीशु ने कहा था. He that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. कि जो कोई मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है. Eternal life comes from God alone. अनंत जीवन सिर्फ परमेश्वर ही में से निकल कर आता है. And no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost. और कोई मनुष्य पवित्र आत्मा के बिना यह नहीं कह सकता कि यीशु ही मसीह है. You're only taking what somebody else said, what you learned by intellectual. और आप सिर्फ उन बातों को स्वीकारते हैं जो किसी अन्य ने कही हैं और आपने बुद्धि से सीखी हैं. What you learned by the natural five senses. जो आपने उन प्राकृतिक पांचों ज्ञानेंद्रियों के द्वारा सीखी हैं. But when the sixth sense comes in, the Holy Spirit. लेकिन जब वो छठी इंद्रिय या सर्वोत्तम चेतना पवित्र आत्मा मिलता है. It takes away all the reasonings of these six senses and five senses and lifts you up into that sixth sense to make you believe things that you can't see, taste, feel, smell. तो वह उन पांचों इंद्रियों के तर्कों को परे हटा देता है और आपको उस छठी चेतना के आयाम में ऊपर उठा लेता है और आप उन बातों पर विश्वास करने लगते हैं जिन्हें सुन देख अनुभव सूंघ या चख नहीं सकते. और उसके द्वारा आप में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है. Then you can say Jesus is the Christ because you have witnessed it. क्योंकि तभी आप ये कह सकते हैं कि यीशु ही मसीह है क्योंकि आप उसके गवाह हैं. Not what intellectual teaching has taught you. और यह बौद्धिक ज्ञान से नहीं सिखाया जाता. But what you've experienced. वरन इसको आपने अपने अनुभव से जाना होता है. What is the sixth sense to do then, Brother Branham? Why did the sixth sense come? भाई ब्रनम इस छठी चेतना या इंद्रिय को क्या करना होता है यह क्यों दी जाती है. The sixth sense come for this reason. छठी चेतना देने का कारण ये है. Now sixth sense is the faith, the super sense. ये छठी इंद्रिय ही या ज्ञानेंद्रिय ही विश्वास है जो कि सर्वोत्तम चेतना है. Now, if the sixth sense come for this reason only, इस छठी चेतना के आने का यही कारण होता है. That was to make the five senses in you deny anything that's contrary to God's word. कि वह बाकी पांचों इंद्रियों के द्वारा उन सभी बातों का इंकार करे या उन पांचों इंद्रियों को जो आपके शरीर में हैं उन बातों का इंकार करने को बाध्य करें जो कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं. That's what the sixth sense is for. यह वह वजह है जिसके लिए छठी चेतना दी गई है. The scripture speaks of casting down reasoning. पवित्र शास्त्र बताता है कि इसके द्वारा सभी तर्क मस्तिष्क से बाहर निकाले जाते हैं. The five senses will you can reason. आप देखिए कि पांचों इंद्रियां या इनके द्वारा आप किसी भी बात के बारे में तर्क कर सकते हैं. Well, now, why should आप कह सकते हैं कि इस मनुष्य ने यह क्यों किया या वैसा क्यों हुआ आदि आदि.
But the sixth sense doesn't see that at all. लेकिन छठी ज्ञानेंद्रिय इस तरह की कोई बात नहीं देखती. It's so far beyond it. यह उन तर्कों से कहीं दूर होती है. It's so much higher than it is. यह उन सभी चीजों से कहीं अधिक ऊंची होती है. Until it don't even have any reasonings at all with it. क्योंकि उनकी तरह से ये किसी प्रकार के तर्क में नहीं जाती. We believe it. इसी के द्वारा हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं. और ये कहना उस कथन से कहीं ऊंचा है जो किसी बात पर पांचों ज्ञानेंद्रियां कह सकती हैं. Get ready for a healing service. अब हम चंगाई सभा करने जा रहे हैं. See, we believe it. देखिए कि हम इस पर विश्वास करते हैं. You walk by that sixth sense. You talk by that sixth sense. उस छठी चेतना के द्वारा आप बात करते हैं. You live by that sixth sense. उस छठी चेतना के द्वारा आप जीते हैं. Die by that sixth sense and rise by that sixth sense. उसी छठी चेतना के द्वारा आप मरते और फिर से जी उठते हैं. That super sense. वह सर्वोत्तम चेतना है. Something that's in you that's different from what the natural man is. और वह ऐसा कुछ है जो आप में है और वह आपको शारीरिक मनुष्य से भिन्न बनाता है. The natural man only has these. शारीरिक मनुष्य के पास केवल वह पांच ज्ञानेंद्रियां होती हैं. And they're all right if they can be brought in submission to the sixth sense. और उनका होना उचित है अगर उनको उस छठी चेतना के अधीन कर लिया जाए. If the natural mind says, reads the word of God and says, that is the word of God, it's speaking the truth. अगर प्राकृतिक मनुष्य का प्राकृतिक मस्तिष्क पवित्र शास्त्र या परमेश्वर का वचन पढ़कर यूं कहे कि यह परमेश्वर का वचन है तो वह सच कह रहा है. But if it reads and says it's not all the word of God or it's was something, it was one time but it isn't now. अगर वह उसे पढ़ने के बाद यूं कहे कि यह सारा परमेश्वर का वचन नहीं है या यह कभी था, एक समय था जब यह परमेश्वर का वचन था मगर अब नहीं है. Then that sixth sense comes in and says he's the same yesterday, today and forever. और उस समय छठी चेतना आकर के कहेगी कि वह कल आज और युगानुयुग एक सा है. See? That's the difference. देखिए कि इनमें यही अंतर है. That's why that so many people fail to be healed. यही वजह है कि बहुत से लोग चंगे नहीं हो पाते. They're trying to come with an intellectual conception. क्योंकि वे यहाँ अपनी बौद्धिक विचारधारा के साथ आते हैं. They say, I do this or I believe this and so forth. वे केवल कहते हैं कि मैं यह करता हूँ, वह करता हूँ, इस पर विश्वास करता हूँ, वगैरह वगैरह. But if that sixth sense is saying that, लेकिन अगर यही बात उनकी छठी चेतना कहे, then there's nothing will ever shake them from that sixth sense. तब उन्हें उनके विश्वास से कोई संदेह डिगा नहीं पाएगा. The sixth sense is come upon the human being to make them deny anything that's contrary to the word of God. क्योंकि ये छठी चेतना उन पर प्रभावी होकर प्रत्येक उस तर्क को नकार देती है जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उभरता है. Any symptom, चाहे वो कोई भी वजह हो, चिन्ह हो या प्रतीक हो. Any symptom that's contrary to God's promise, the sixth sense says it isn't there. जो वचन विरुद्ध या परमेश्वर की प्रतिज्ञा के विरुद्ध उठता है, छठी इंद्रिय उसके बारे में कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है. If the Christian that's born again, किंतु ये केवल दोबारा जन्म प्राप्त मसीही के साथ होता है. And the first thing you know, some infidel, unbeliever gets around to the Christian. पहली बात क्या होती है कि कोई नास्तिक या अविश्वासी एक मसीही व्यक्ति के पास जाकर कहता है, And said, now looky here, there's no such a thing as that Holy Ghost. कि देखो, पवित्र आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती. You're just mistaken in that. कहता है, इस बारे में तुम गलती पर हो. You're crazy if you believe such stuff as that. और इस प्रकार की बातें अगर तुम मानते हो तो तुम सनकी हो. There's no such a thing as it. और वो कहता है, ऐसी कोई चीज होती ही नहीं. That sixth sense goes right straight to work. तब वो छठी चेतना एकदम हरकत में आ जाती है. Let me show you in the Bible where you can't receive the Holy Ghost. लेकिन वो कहेगा कि मैं तुमको पवित्र शास्त्र में से दिखा देता हूँ कि पवित्र आत्मा नहीं पाया जा सकता. You see, I can show here where the disciples got it, but. और वो कहेगा कि ये भी दिखाते देता हूँ कि चेलों ने जब पवित्र आत्मा तो पाया मगर. You say, look, the sixth sense will point you over and say. जी हाँ, इस पर आपकी छठी चेतना आपको इशारा करेगी और आप कह उठेंगे. But he said the promise isn't to you, to your children.
लिखा है कि पवित्र आत्मा मिलने की प्रतिज्ञा हम और हमारी संतानों के लिए है। Well, that meant their children there. That didn't mean for you. It isn't for you. तो वो कहेगा कि उसका अर्थ उनके अपने बच्चों से था, ये आपके लिए नहीं है। But that sixth sense knows better. लेकिन छठी चेतना इस बात को ज्यादा बेहतर जानती है। Why? It's already in you. क्योंकि पवित्र आत्मा तो आपके अंदर पहले से ही है। They've said it too late. You've already received it. उस व्यक्ति ने आपसे ये बात देरी से कही है और आप तो उसे पहले ही पा चुके हैं। People who talk that there is no such a thing as the Holy Spirit don't know what they're talking about. जो लोग ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जैसा कुछ नहीं होता, उनको ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं। Like a boy once peeling an apple. ये बात उस लड़के की सी है जो एक बार सेब छील कर खा रहा था। And was asked by an infidel debating a meeting. और वह सेब खाते खाते एक नास्तिक व्यक्ति की सभा में घुस गया जहाँ बहस चल रही थी। He said, what do you want? What do you want up here? He said, I want to ask you a question. उस लड़के से उस नास्तिक व्यक्ति ने पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, और लड़के ने कहा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। While he was eating the apple and enjoying it. वह सेब खाता जा रहा था और सेब के मजे ले रहा था। A very simple sort of a look like a delinquent person. और वो साधारण सा सीधा साधा लड़का अपराधी सा उनके मध्य खड़ा था। With the hair hanging in his face. उसके बाल बिखरे 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 से उसके चेहरे पर थे। One tooth out in front and an old dirty overhaul jacket on. और एक दांत सामने बाहर को निकला हुआ था और उसने एक पुरानी गंदी जैकेट पहन रखी थी। He said, just one question I want to ask you. और उस लड़के ने कहा कि मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ। The infidel just said there is no such a thing as God. और उस नास्तिक मनुष्य ने थोड़ी देर पहले ये कहा था कि परमेश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। It's all emotion. ये सब बातें भावुकता की हैं। It's nonsense too. It's all it is. मूर्तापूर्ण बातें हैं। And the boy said, I want to ask you a question, mister. Is this apple sweet or sour? उस लड़के ने कहा कि मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ श्रीमान, ये सेब जो मैं खा रहा हूँ ये मीठा है या खट्टा? He said, how do I know I'm not eating it? He said, that's just what I thought. Walked right back. उसने कहा मैं ये कैसे बता सकता हूँ, मैं इसे थोड़े ही खा रहा हूँ। उस लड़के ने कहा मैंने ठीक ऐसा ही सोचा था, और वो मुड़कर वापस चला गया। How do you know when you haven't tasted the Lord? जब तक आपने प्रभु के संपर्क का स्वाद नहीं चखा है, आप उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? How do you know when you've never received the Holy Ghost, whether he's real or whether he is not? जब आपको अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वह वास्तविक है या नहीं? How do you know whether it's faith and power? आपको क्यों कर पता होगा कि पवित्र आत्मा ही विश्वास व सामर्थ है? How do you know there's not joy unspeakable and full of glory when you've never tasted to see it? आप कैसे जान सकेंगे कि पवित्र आत्मा से बयान से बाहर आनंद व महिमा से परिपूर्ण बातें नहीं होती, जबकि आपने अभी तक उसका स्वाद नहीं चखा हुआ, उसे नहीं देखा है? The sixth sense leads you to that. ये छठी चेतना आपको सच्चाई तक ले जाती है। The sixth sense declares that to you. ये छठी चेतना वही बातें आपको बताती है। There's no intellectual powers at all that'll ever bring that to you. बौद्धिक ज्ञान और ताकत कभी भी आपको वहाँ तक नहीं ले जा सकती। The intellectual powers will reason. बौद्धिक ताकतें तर्क करती हैं। And say, well, it's psychology. It's something this way. It's emotion with the people. और वो कहती हैं कि ये मनोवैज्ञानिक बात है, यह कुछ इस तरह से है, यह सब लोगों की भावुकता है। But when the sixth sense comes in, it denies all those things. लेकिन जब छठी चेतना मिलती है, तो वह इस प्रकार के सब तर्कों को अस्वीकार कर देती है। And moves a person straight into the bosoms of God. और एक मनुष्य को सीधे परमेश्वर की गोद में पहुंचा देती है। He that cometh to God must believe that he is. और वह जो परमेश्वर के पास आना चाहता है, उसे विश्वास करना चाहिए कि वह है। And a rewarder of those that diligently seek him. और जो कोशिश करके उसे ढूंढते हैं, उन्हें वह मिलता है। By faith, Abraham, by faith, Isaac, by faith, Jacob. विश्वास के द्वारा इब्राहिम ने, इसहाक ने, याकूब ने उसे पाया। All by faith. सभी ने विश्वास के द्वारा उसे पाया। It's the sixth sense that does it. ये छठी चेतना के द्वारा ही हुआ। Sixth sense denies all symptoms. छठी चेतना वचन विरुद्ध सभी चिन्हों को, लक्षणों को नकार देती है। Anything contrary to God's word. उन सभी बातों का इनकार करती है जो परमेश्वर के वचन विरुद्ध हैं। Any feeling, emotion.
सभी भावनाओं संवेदनाओं को वह अस्वीकार कर देती है। Somebody say, oh, well, I was prayed for, but I just don't feel any better. कोई कह सकता है कि ओ मेरे लिए प्रार्थना करी गई थी मगर मैं तो स्वयं को स्वस्थ अनुभव नहीं कर रहा हूँ। Success would never stand still for that. इस बात पर छठी चेतना चुपचाप बैठी नहीं रहेगी। Sixth sense would say it's a lie. I feel better. I'm getting well. छठी चेतना कह उठेगी यह झूठ है, मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। God said so. That settles it. और परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है और ये बात यहीं खत्म हो जाएगी। Amen. God said so. Sixth sense only feeds on the word of God. परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। छठी चेतना केवल परमेश्वर के वचन पर निर्भर करती है। That's super sense. यही सर्वोत्तम चेतना है। It's super above the senses. ये सभी इंद्रियों व चेतनाओं से सर्वोत्तम है। It's a greater sense. ये बड़ी चेतना है। It's a faith. It's a power. That stirs and drives. ये विश्वास है, यह वो सामर्थ है जो सभी दूसरी चेतनाओं को हिलाकर उन पर प्रभावी होती है। Amen. It's something that makes you do things that you never thought you would do. ये कुछ ऐसी चीज है जिसके द्वारा आप ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जिनके करने के बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। It's the sixth sense. The super sense. ये छठी चेतना है जो सर्वोत्तम चेतना है। You get prayed for, say you got a crippled hand, you get prayed for your hand. मान लीजिए कि आप अपने एक सूखे हुए हाथ की चंगाई के लिए प्रार्थना करवाने जाते हैं। You come up there and you believe that God's going to heal you. आप इस विश्वास के साथ वहाँ जाते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। The pastor prays for you. You go back. और सेवक आपके लिए प्रार्थना करता है और आप वापस जाते हैं। The old natural man will say this. तब पुराना प्राकृतिक मनुष्य जो आप में है वो कहेगा, you don't feel any different in that hand. कि तुम्हारे हाथ में तो भाई कोई फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। You're no better than what you ever was. जैसा पहले था उससे जरा भी बेहतर नहीं हुआ है। But the sixth sense comes along and says, that's a lie. लेकिन छठी चेतना तुरंत कहेगी कि ये झूठ है। You've been prayed for. That settles it. और तुम्हारे लिए प्रार्थना हो चुकी है और बात यहीं खत्म होती है। Amen. Like a woman to come to a meeting one time. आमीन। उस महिला की तरह की बात है जो एक बार हमारी सभा में आई थी। And she come to a meeting, two of them. और वो दो महिला थी। They crossed the platform. They'd seen the discernment. उन्होंने हृदय के गुप्त भेदों को प्रकट होते देखा था। वे मंच को पार करके आगे आईं। Them women were just swallowed up. वे महिलाएं गुप्त भेदों को प्रकट होते देखकर पूरी तरह से असमंजस की स्थिति में थीं। They were both real Christians. वे दोनों सच्ची मसीही थी। One come up and the spirit came and said, you are suffering with a stomach trouble. उनमें से एक आगे आई और पवित्र आत्मा ने बताया कि आप पेट के रोग से ग्रसित हैं। And her face lit up. She said, that's true. और उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने कहा, ये सच बात है। And the Holy Spirit said to me, पवित्र आत्मा ने तब मेरे द्वारा कहा, said, and it's an ulcer. It's caused from a nervous condition. कि वहाँ एक अल्सर है, फोड़ा है, और यह नाड़ी मंडल की दुर्बलता के कारण हुआ है। You've been examined by a certain doctor and he said that you could not have to, had to have an operation, have it cut out. किसी डॉक्टर ने आपका परीक्षण किया था और बताया था कि इसका ऑपरेशन किया जाएगा और इसे काट कर बाहर निकाला जाएगा। She said every word of that is the truth. और उस महिला ने कहा कि आपका एक एक शब्द सत्य है। And then seeing she's such a great believer. और जब पवित्र आत्मा ने ये देखा कि वह कितनी अच्छी विश्वासी है तो And it said your name is Miss so and so, you come from so and so and such a place. और ये भी बताया कि उसका नाम क्या है, कौन से प्रांत व स्थान से आई हैं। She said, that is the truth. और तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि ये सब सत्य है। What was it? The sixth sense catching it. ये क्या हो रहा था? छठी चेतना वचन को ग्रहण कर रही थी। The sixth sense and the Holy Spirit were standing side by side. वो छठी चेतना और पवित्र आत्मा बराबर बराबर खड़े थे। The Holy Spirit was speaking, the sixth sense was saying, Amen. पवित्र आत्मा बात कर रहा था और छठी चेतना आमीन कह रही थी। Here it is, something has to happen. यही बात है, कुछ विशेष तो होना ही था। When Martha ran out to find Jesus. जब मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंची थी। And when she said, Lord,
What's the sixth sense? और उसने यीशु से बातें करी तो उसकी छठी चेतना को देखिए. If thou would have been here, my brother would not have died. उसने कहा था कि हे प्रभु, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा. There's the sixth sense. यही छठी चेतना है. Jesus pulled himself together and said, I am the resurrection and life. और तब यीशु ने स्वयं को उस प्रसंग के साथ जोड़ते हुए कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. जो मुझ पर विश्वास करता है गो कि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा. क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? What are you going to say, reasoning? हे तर्क करने वाली बुद्धि, तू अब क्या कहना चाहती है? There's a man laying on a dead and the worms is crawling through him. यहाँ एक मनुष्य मृत पड़ा है और उसके लाश में कीड़े पड़ चुके हैं. But he's just got to say he was the resurrection and the life. लेकिन यीशु ने यही कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन वही है. That's God's word. ये परमेश्वर का वचन है. That sixth sense beyond the doctor's care. ये छठी चेतना डॉक्टरों की विचारधारा से ऊपर होती है. Beyond the thoughts of scientific research. ये वैज्ञानिक शोधों और खोजों से ऊपर होती है. Defy all reasonings and cast them down. वह सभी प्रकार के तर्कों का इंकार करती है और उन्हें हृदय से बाहर निकाल देती है. It's witness into God's word. I am, not I will be, I was, I am now. क्योंकि वह परमेश्वर के वचन की गवाही देती है जो कि कहता है मैं हूँ, मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ. यह नहीं कि मैं था या मैं होऊंगा, वरन मैं अभी हूँ. मैं एक मनुष्य के रूप में जो खड़ा हूँ, पुनरुत्थान व जीवन दोनों हूँ. जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा. और जो कोई जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वह कभी न मरेगा. क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मार्था ने कहा हाँ प्रभु. उसकी छठी चेतना काम कर रही थी. I believe that you are the Son of God that should come into the world. मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास कर चुकी हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है. Thy brother shall rise again. यीशु ने उत्तर दिया तेरा भाई दोबारा जी उठेगा. Oh my! To the grave they went. हे प्रभु, वे कब्र पर गए. Them two together, something had to happen. दोनों वहाँ साथ साथ थे तो कुछ विशेष घटित होना जरूर था. That was a super sense with God standing present. Something had to take place. वह सर्वोत्तम चेतना और परमेश्वर स्वयं वहाँ उपस्थित थे, इसलिए कुछ खास बात होनी जरूर थी. The sense was super sense was God. और वह सर्वोत्तम चेतना थी और वह परमेश्वर ही था. There was something telling Martha that. और वह मार्था को ये बता रही थी. She'd seen him, she knowed him. She recognized him to be the very Messiah. कि उसने मसीहा को पहचान लिया है, उसे देख लिया है और वो जान गई है कि आने वाला मसीहा यही है. And she knew if she could only get to him. उसे ये पता चल गया था कि वह अपने भाई का मसला उसके सामने रख दे तो वह इसे ठीक कर देगा. If she could only get close to him and present the case. यदि वो उससे कहे तो सब ठीक हो जाएगा. Just hear one promise come from him, that's all she wanted. अब वो केवल ये चाह रही थी कि मसीहा की ओर से उसे केवल एक प्रतिज्ञा मिल जाए. When he said, I am the resurrection and life. He that believeth in me, though he were dead. That's all Martha wanted to hear. और मार्था केवल यही सुनना चाह रही थी जो यीशु ने कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा. All she wanted because the sixth sense, the super sense, her faith was moving her to confess him, believe him. क्योंकि उसके अंदर की छठी चेतना उसका विश्वास उसे प्रेरित कर रही थी
कि वह उसे मसीहा स्वीकार कर ले और उस पर विश्वास करे। This woman, when she left the platform, it was thus saith the Lord. इस महिला के लिए जो बीमार थी और मेरे सामने मंच पर थी, पवित्र आत्मा ने यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन कहा, Go home and eat. Jesus Christ makes you well. घर जाइए और भोजन कीजिए, यीशु मसीह आपको चंगा करता है। She went home. वो घर चली गई। That night, a friend of hers living in the neighborhood. उस रात उसकी एक दोस्त थी जो उसी के पड़ोस में रहती थी। Was third or fourth behind her. She had a big knot on her neck. और उनका घर उसके घर से दूसरा या तीसरा था और उसकी गर्दन में एक गांठ उभर आई थी। And here she come. और वह वहाँ आई। All thrilled about her neighbor was going to be healed of that ulcer that had bothered her so much. वह इस समाचार से अत्यंत रोमांचित थी कि उनकी पड़ोसिन जो अल्सर से अत्यंत पीड़ित थी, वह चंगी होने जा रही थी। This is one of the hundreds of cases, thousands of them. यह सैकड़ों में, हजारों में एक विशेष मामला था। And this big knot sticking out on her neck. और उनकी अपनी गर्दन पर वो बड़ी गांठ लटक रही थी। And she come up, I said, no one would have to discern that. और वो महिला भी मेरे पास चंगाई सभा में आई और मैंने कहा कि इनकी बीमारी के बारे में कुछ भी प्रकट करने की जरूरत नहीं है। But you're happy about something. You've been thrilled because that woman sitting over yonder is a neighbor of yours. मैंने कहा कि आप किसी बात से बहुत प्रसन्न व रोमांचित हैं क्योंकि वह महिला जो वहाँ आपके पास बैठी हैं, वह आपकी पड़ोसिन है। Holy Spirit, she thought, how in the world could that man know that? उसने सोचा कि जरूर पवित्र आत्मा ही ये बता रहा है, वरना दुनिया में कोई मनुष्य ये बातें कैसे जान सकता है? It has to be something to reveal it to him. जरूर है कि कोई उस पर ये बातें प्रकट करे। So when that was said, it said you're thinking about your neck. तभी पवित्र आत्मा ने उनसे कहा, आप अपनी गर्दन के बारे में सोच रही हैं? Yes. जी हाँ। Do you believe it'll leave? क्या आपको विश्वास है कि ये खत्म हो जाएगा? I believe it, she said with all my heart. और उसने बताया कि मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करती हूँ। I said, thus saith the Lord. Go home and you will receive your healing. और मैंने कहा, प्रभु यूं कहता है, घर जाइए, आप अपनी चंगाई ग्रहण कर लेंगी। The natural man looked around and couldn't see no sign. शारीरिक मनुष्य उस गांठ के चारों ओर देखकर कोई भी ऐसा चिन्ह नहीं पा सकता था कि वह चंगा हो जाएगा। The woman with the ulcer went home and tried to eat and my, she liked to die. जिस महिला को अल्सर फोड़ा था, उन्होंने भोजन करने का प्रयत्न किया और लगभग मृत प्राय सी हो गई। Oh, the natural man, the natural sense of feeling still declared the ulcer there. Oh, वो प्राकृतिक मनुष्य, वो ज्ञानेंद्रियां अभी भी इस बात की पुष्टि कर रही थीं कि वह अल्सर वहाँ है। So, after about a week or two had passed, और एक दो सप्ताह बीत गए थे। She went through the neighborhood. और इस बीच वह अपने पड़ोस व आसपास के घरों में जाती रही। To all of her people in the church, testifying, the Lord has healed me. लोगों कलीसिया में इस बात की गवाही देती रही कि प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। And they said, are you eating now? और लोगों ने उससे कहा, क्या तुम अब भोजन कर पा रही हो? No, not exactly everything I want, but she said, I'm already healed. वह उन्हें उत्तर देती रही कि नहीं नहीं, अभी वैसे तो मैं नहीं खा पा रही हूँ जैसे खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं चंगाई पा चुकी हूँ। For by his stripes I am healed. क्योंकि उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई मिल चुकी है। No matter what it was, she's healed anyhow. अब उसकी दशा कैसी थी, इससे उसे कोई सरोकार न था, उसे जैसे भी हो चंगाई मिल चुकी थी। One morning, the children had gone to school. और एक सुबह बच्चे स्कूल जा चुके थे। And she got real hungry. तब उसे वास्तव में जोरों की भूख लगी। She was standing washing the dishes by the window. वह खिड़की के पास खड़ी उस समय बर्तन धो रही थी। She came to the meeting, another meeting about a year later. एक वर्ष का समय बीत चुका और इस बीच वह एक बार और प्रार्थना सभा में आई। And she was washing the dishes. और उसके बाद उस समय वह बर्तन साफ कर रही थी। And when she first thing she felt a real funny feeling go over. और तब उसे एक अजीब सी अनुभूति होने लगी। And she thought, what was that? वह सोचने लगी कि यह सब क्या हो रहा है। Felt like I wanted to scream. और उसे ऐसा लगा था मानो वो चिल्ला उठेगी। And her husband had told her, said, honey, you quit talking about that healing.
और उसके पति ने उससे कहा था कि प्रिय तुम उस चंगाई के बारे में बातचीत करना बंद कर दो. Said because although he was a Christian, said you're bringing a reproach upon the cause. हालांकि उसका पति मसीही था लेकिन उसने उससे कहा कि इस प्रकार चंगाई की बातें करते रहने से तुम उस पर निंदा लाने की दोषी ठहरती हो. How can you bring a reproach when you're testifying to his word? जब आप उसके वचन की गवाही दे रहे हैं तो निंदा करने का प्रश्न ही कहाँ है. You bring a reproach if you don't testify to it. निंदा तो तब गिनी जाएगी यदि आप उसके वचन की गवाही न दें. Said if you were healed, you were healed. उसके पति ने कहा था कि अगर तुम्हें चंगाई मिल गई है तो मिल गई है, इस बारे में बातचीत मत क्या करो. She said, that man stood and looked me in the eye and told me my conditions and the things that I had done and who I was and where I come from. उस महिला ने कहा कि सभा में उस व्यक्ति ने मेरी आंखों में देखकर मेरी दशा बता दी और सारी बातें जो मैंने करी थी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, और सभी कुछ उसने प्रकट कर दिया था. She said I hadn't been in the building 15 minutes when he came to the platform. और उस समय मुझे उस भवन में घुसे 15 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि वह मंच पर आ पहुंचा था. How in the world could this man know that I never saw him in my life? दुनिया में कोई मनुष्य किस प्रकार ये सब बातें जान सकता है जबकि मैंने उसे जीवन में पहले कभी नहीं देखा. And he told me, thus saith the Lord. Amen. You're healed. और उसी ने मुझसे ये कहा था कि प्रभु यूं कहता है तुम चंगी हो गई हो. He said, I'll believe it until I'm dead. और उस महिला ने ये कहा कि मैं इस बात पर मरने तक विश्वास करती रहूंगी. She said, I'll believe it anyhow. जैसे भी हो मैं इस पर विश्वास करूंगी. So her and her sister, Laura, a friend, had covenant to God that they'd hold that faith. अतः उसने और उसकी छोटी बहन ने और उसकी एक मित्र ने परमेश्वर के सामने प्रतिज्ञा की कि वे इसी विश्वास में बने रहेंगे कि उसे चंगाई मिल चुकी है. That morning she felt real funny. और उस सुबह उसको बहुत अजीब सा लग रहा था. And a few minutes she got hungry. और कुछ क्षणों में उसे बहुत भूख लगाई. So the children had left some oats in a plate, a little dish. अब बच्चों ने जई, जो कि सख्त प्रकार का अनाज होता है, उसके बने कुछ खाने के पदार्थ प्लेट में छोड़ दिए थे. And said oats always just burner up. If anybody ever had an ulcer, you know what it is. उनके खाने से उस महिला के पेट में सदैव जलन पैदा होने लगती थी और पेट में अल्सर का फोड़ा जिसके हो तो फिर उसकी हालत आप समझ सकते हैं. So she reached down and took a couple bites of those oats. वह उस प्लेट के पास पहुंची और उसने उस जई के कई टुकड़े काट कर खा लिए. Oh my, she said, I have to pay for it, I suppose. और उसने बताया कि उसने सोचा था कि उसे ऐसा करने का परिणाम भुगतना पड़ेगा. But one of these days I'll be all right. फिर भी उसने यही सोचा कि आजकल में तो वो ठीक होने वाली ही है. But she noticed she was still hungry. लेकिन उतना खाने के बाद भी वो भूख महसूस करती रही. So she just finished up the dish. और उसने पूरी प्लेट ही साफ कर दी. She waited a few minutes. See what happened. Nothing happened. और उसने कुछ समय तक इंतजार किया कि अब गड़बड़ होगी, देखूं क्या होता है, मगर कुछ भी नहीं हुआ. Felt good, still hungry. उसने अच्छा भला अनुभव किया और पाया कि वह अभी भी भूखी है. She fried her a couple eggs and poured her a cup of coffee. उसने अपने लिए कुछ अंडे तले और काफी प्याले में ढाल ली. Got some toast and had a real jubilee. और उसने कुछ टोस्ट भी खाया और पूरा जश्न सा मनाया. She just eat all she could eat. और जो कुछ भी वो खा सकती थी उसने खाया. She went ahead washing the dishes. और उसके बाद वो बर्तन साफ करने में लग गई. And about a half hour later she was hungry again. और आधे घंटे बाद उसे फिर से भूख लगाई. No ill effects. और खाने पीने से उसे कुछ भी नुकसान न हुआ था. She put on her little bonnet and down the street she went into this neighbor's house. और उसने अपनी टोपी पहनी और नीचे सड़क पर अपनी पड़ोसिन के घर पहुंची. And when she got there, she heard, she thought there'd been a death maybe in the family. जब वो वहाँ पहुंची तो जो शोर सा उसने सुना तो यही समझा कि शायद वहाँ किसी की मृत्यु हो गई है. They were screaming and shouting and walking around. चीख चिल्ला रहे थे और चारों तरफ मकान में हमद और सिताइश हो रही थी. The woman had slept late that morning and got up. हुआ ये था कि वह महिला उस दिन वहाँ पर देर से सोकर उठी थी. Looking for the growth that was on her neck and it had disappeared during the night. और जब उसने अपनी गर्दन की गांठ के उस मांस को जो लटका हुआ था देखना चाहा तो वह वहां से गायब हो चुका था. रात भर में वह वहां से गायब हो चुका था.
God at work. ये क्या था? परमेश्वर ने अपना काम किया था. Up here at Cadle Tabernacle when we had that meeting. कैडल टेबरनेकल में जब हम उस दिन प्रार्थना सभा कर रहे थे. That crippled boy that came in there and was prayed for. तब वहाँ वह अपाहिज लड़का लाया गया जिसके लिए दुआ करी गई थी. Many of us there to see him. आप में से बहुत से लोगों ने वहाँ उस दिन उसे देखा था. They brought him back in that emergency room. Billy led me to him. वे लोग उसे पीछे की ओर बने आपातकालीन कक्ष में ले आए थे. बिली मुझे वहाँ लेकर आया गया था. They had him on a platform for 3-4 nights or on the in the building. वे उसे 3 या 4 रातों तक मंच पर लाते रहे थे. He didn't get a prayer card, so they put him in the emergency room. मगर उसे प्रार्थना कार्ड ना मिल सका था, अतः वे उसे आपात कक्ष में ले आए थे. I went in and prayed for him. मैं वहाँ गया था और उसके लिए मैंने प्रार्थना करी थी. Looked at him, he said, "Mr. Branham, can you tell me some consolation?" जब मैंने उसको देखा तो उसने कहा, भाई ब्रणम, क्या आप मुझसे कुछ बातें कहकर मुझे सांत्वना या शांति देंगे? I said, "Yes, sir, son. Polio got you this way." He said, "That's right." मैंने कहा, हाँ पुत्र, पोलियो के कारण आप इस स्थिति को पहुँचे हैं. और उसने जवाब दिया, ये बात सच है. I said, "Your name is such and such and come from a certain place." That's right, he said. मैंने कहा कि तुम्हारा नाम वगैरह वगैरह है और तुम अमुक जगह से आए हो, ये सत्य बात है, उसने बताया था. What about my healing? I said, "By his stripes you were healed." और उसने फिर पूछा था कि मेरी चंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं, और मैंने जवाब दिया था कि उसके कोड़े खाने से तुम्हें चंगाई मिल चुकी है. He went home testifying, giving God praise. वह परमेश्वर की महिमा व स्तुति करता रहा, गवाही देता, घर लौट गया. And he brought such a reproach they claimed in the neighborhood. और लोग बताते हैं कि उसने अपने अड़ोस पड़ोस में गवाही देना शुरू कर दी, जो लोगों की दृष्टि में निंदनीय बात थी, क्योंकि वे उसकी चंगाई को देख नहीं पा रहे थे. Until one Sunday, a group of ministers come in and sat down by him. और यहाँ तक हुआ कि एक रविवार को कुछ सेवक गण उसके पास गए और उससे कहा, and said, "You must stop doing that." तुमको इस प्रकार की बातें कहना बंद करना चाहिए. You're bringing reproach upon the cause. तुम इस प्रकार से उसके विरुद्ध निंदनीय बातों के दोषी ठहरोगे. And the young man sitting there. और उस नवयुवक ने जो वहाँ बैठा था उनसे कहा, अगर श्रीमान आप उस स्थिति में होते जिसमें मैं हूँ. If you were sitting where I am, if you were in the chair that I'm sitting in, अगर आप उस जगह पर होते जहाँ मैं हूँ, अगर आप इस व्हील चेयर में बैठे होते, you wouldn't try to rob me of the last hope I got in Christ. तो आप मुझे उस अंतिम आशा से जो मसीह में मुझे मिली है कभी भी जुदा करने की कोशिश न करते. That by his stripes I am healed. उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है. And he no more said that sitting there paralyzed. जब वो वहाँ बैठा ये कह रहा था तो उसके पांव, हाथ, शरीर, कमर सभी को लकवा मार चुका था. Feet, hands, body, back. उसके शरीर के काफी अंग अधरंग का शिकार थे. And no more than he said that and out of the chair he went glorifying God. और जो ही उसने वे शब्द कहे, शब्द अभी खत्म भी ना हुए थे कि वह व्हील चेयर में से परमेश्वर की महिमा करता हुआ उठ खड़ा हुआ. His natural senses said he'll sit there. क्या हुआ था ये? उसकी शारीरिक इंद्रियों ने यही कहा था कि वह उसी व्हील चेयर में अपंग बना बैठा रहेगा. The doctor said he'll be there forever, or as long as he lives. और डॉक्टर्स ने भी यही कहा था कि बाकी बचे जीवन भर वो अपंग रहेगा. But the sixth sense says, by his stripes I am healed. लेकिन उसकी छठी चेतनाएं ने उससे यही कहा कि उसके कोड़े खाने के कारण मुझे चंगाई मिल चुकी है. And he wouldn't have nothing to do. It's casting away everything contrary to what God said. और यह सर्वोत्तम छठी चेतना उन सभी विचारों और भावनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध थीं बाहर निकाल देती है. That's what the sixth sense is for. और ये छठी चेतना उसके पास इसी वजह से थी और यही उसका काम था. Old John Ryan. बुजुर्ग जॉन रायन. Not R-Y-A-N or R-H-Y-N. ये शब्द R-A-Y-N रयान नहीं है, वरन रेन है, R-H-Y-N. That was a blind beggar at Fort Wayne. फोर्ट वेने में यह एक अंधा भिखारी था. There where we went that day and
He was prayed for in the meeting. वहाँ जब हम गए तो उस दिन प्रार्थना सभा में इसके लिए भी प्रार्थना करी गई. That was the night before the piano played the great position. Now is there without anybody by it? यह बात उस रात से पहली रात की है जब बिना किसी मनुष्य के बजाय पियानो पर यह गीत गूंजने लगा था, The Great Physician Now Is Here. And when he was blind, his Catholic by faith. जब यह मनुष्य अंधा था तब यह कैथोलिक मत का मानने वाला था. He stopped in the line and I looked at him and I said, Your name is so and so, John Ryan. और वह प्रार्थना पंक्ति में मेरे सामने आकर रुक गया. मैंने उसकी ओर देखकर कहा कि तुम्हारा नाम है जॉन रैन. Yes. जी हाँ. You're a beggar on the corner, you've been blind for years. Yes, that's right. तुम वहाँ उस किनारे भीख मांगते हो और कई वर्षों से अंधे हो. जी हाँ, ये सच है. You're Catholic by faith. That's right. तुम कैथोलिक मत के अनुयायी हो, ये बात भी ठीक है. I said, Thus saith the Lord. You receive your healing. मैंने कहा, परमेश्वर यूं फरमाता है कि तुम अपनी चंगाई ग्रहण करो. उसने कहा, श्रीमान धन्यवाद. मैंने कहा, परमेश्वर प्रभु को धन्यवाद दो. उसने कहा, परंतु मैं देख नहीं पा रहा हूँ. मैंने कहा, इस बात से कुछ मतलब नहीं है. You are healed. तुम्हें चंगाई मिल चुकी है. और लोग उसे सहारा देते हुए मंच से नीचे ले गए. Natural man couldn't see nothing. साधारण मनुष्य उस चंगाई को नहीं देख पाए. They couldn't see no results from that at all. इससे किसी भी तरह का कोई नतीजा सामने नहीं आया था कि चंगाई मिली है. Why, said he's just as blind as he ever was. और लोगों ने कहा कि क्यों, ये तो वैसा ही अंधा है जैसा पहले था. So two of his friends brought him back and put him in the prayer line again and run him through again. और उसके दो मित्र उसे एक बार फिर से पकड़कर प्रार्थना पंक्ति में ले आए. Howard let him pass through. हावर्ड ने उसे आगे आने दिया. When he came back again, he said, Mister, you told me I was healed. जब वो दोबारा मेरे सामने आया तो उसने कहा, श्रीमान आपने कहा था कि मैं चंगा हो गया हूँ. I said, you told me you believe me. मैंने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो. He said, I do believe you. उसने कहा कि मैं भी आप पर अभी भी विश्वास करता हूँ. I have no reasons not to believe you. कोई कारण नहीं है कि मैं आप पर विश्वास न करूँ. Said, you told me all things in my life. आपने वो सभी बातें बता दी हैं जो मेरे जीवन में घटित हुई हैं. And he said, I don't know what to do. उसने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ. He said, there was a woman back there testifying that she had a garter a few minutes ago and it's gone away. उसने आगे कहा कि वहाँ एक महिला की गवाही मैंने सुनी है कि कुछ क्षण पहले ही उसके एक घूंघा था जो वो गायब हो गया है. I said, then if you believe me, why are you questioning me? मैंने कहा कि जब तुम मुझ पर विश्वास कर ही रहे हो तो फिर ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? I'm telling you the word of God. मैं तुम्हें परमेश्वर का वचन बता रहा हूँ. He said, what must I do, sir? उसने पूछा कि श्रीमान मुझे क्या करना चाहिए? Knowing he was Catholic and had to have something physical that he could hold you. मैं जानता था कि वह कैथोलिक है और उसके पास भौतिक या ठोस कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे वह अपने विश्वास को थामे रहे. I said, just keep testifying by stripes I am healed and giving praise. मैंने कहा कि केवल ये गवाही देते रहो कि उसके कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिल चुकी है और उसकी प्रशंसा करते रहो. The old man for the next 2 weeks or three he stood on the corner and he sold papers. अगले 2-3 सप्ताह तक वह वृद्ध अंधा व्यक्ति एक कोने में खड़ा हो जाता और पर्चे बांटता रहता. He would holler, extra, praise the Lord, I'm healed. Extra, praise the Lord, I'm healed. वह जोर से चिल्लाता रहता था कि मुझ पर अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है, प्रभु की प्रशंसा हुए, मुझे चंगाई मिली है, अतिरिक्त अनुग्रह हुआ है. When he came back to the meeting the next night, I couldn't hardly preach for him. दूसरी रात जब वो सभा में आया तो उसके कारण मुझे वचन प्रचार करना दूभर हो रहा था. He'd raise a holler, everybody keep quiet. Praise the Lord for healing me. Praise the Lord for healing me. वह बीच में खड़ा होकर चिल्लाने लगता था, सभी लोग शांत हो जाएं, प्रभु की प्रशंसा होवे, मुझे चंगा किया है, प्रभु की प्रशंसा होवे, उसने मुझे चंगा कर दिया है. As a Catholic, he didn't know how to take a hold of faith. कैथोलिक मत का होने के कारण उसे ये नहीं पता था कि वह विश्वास को किस प्रकार थामे रहे. But he knew if he kept on saying and kept on, kept on, kept on,
until that sixth sense would go to work. मगर वो जानता था कि अगर वो लगातार यही कहता रहेगा तो उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर देगी और पूरा विश्वास आ जाएगा. That's right. Praise the Lord for healing me. वो कहता था ये सच है, प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है. You stand on the corner and praise the Lord for healing me. X-ray. वह कोने में खड़ा चिंक चिल्ला रहा था और एक्सट्रे नामक अखबार बेच रहा था और कहता जा रहा था, प्रभु की प्रशंसा हो, उसने मुझे चंगा किया है, एक्सट्रे. Praise the Lord for healing me. प्रभु की प्रशंसा हो क्योंकि उसने मुझे चंगा किया है. वो सड़क पर जा रहा होता जब कोई व्यक्ति उससे पूछता, जॉन तुम कैसे हो. Praise the Lord for healing me. All right. वो कहता, प्रभु की प्रशंसा होवे कि उसने मुझे चंगा किया है, मैं ठीक हूँ. And they laughed at him and made fun of him. और लोग उस पर हंसते और उसका मजाक उड़ाते थे. And another little newsboy led him over to the barber shop for a shave. और एक अखबार बेचने वाले छोकरे ने उस दिन उसे हजामत बनवाने के लिए एक नाई की दुकान का मार्ग बताकर उसे वहाँ पहुँचाया. About 2 or 3 weeks later from the meeting. यह बात प्रार्थना सभा के लगभग 2-3 सप्ताह बाद की है. And the barber put him up in the chair and lathered his face and he said, John. और नाई ने उसे कुर्सी में बैठाया और उसके मुंह पर साबुन लगाते हुए कहा, John. He said, I understand some little smart aleck. वह नाई बड़ी चतुरता से उससे व्यंगात्मक स्वर में पूछने लगा. And he said, I understand that you was down to see the divine healer when. उसने पूछा कि तुम वहाँ उस दिन सभा में किसी दिव्य चंगाई देने वाले व्यक्ति से मिलने गए थे तो क्या हुआ. said, yes, I went down. उसने कहा, हाँ मैं गया था. He said, I understand that you got healed just to make fun of him. नाई ने पूछा, मुझे पता चला है कि तुम अंधेपन से चंगाई पा चुके हो. उसने मजाक उड़ाने के ख्याल से ये पूछा. And the old man said, yes. Praise the Lord, he healed me. And his eyes come open. और उस वृद्ध अंधे मनुष्य ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु की प्रशंसा हो कि उसने मुझे चंगा किया है. और ये कहते कहते उसकी आंखों की ज्योति लौट आई. Out of that barber chair, he went with a towel around his neck. The barber trying to catch him with a razor in his hand. और वो तुरंत नाई की कुर्सी से उछलकर बाहर भागा. उसकी गर्दन में नाई का तौलिया लिपटा हुआ था और नाई हाथ में उस्तरा लिए उसे पकड़ने को उसके पीछे था. And down the street they went. और वह आगे पीछे सड़कों पर दौड़ते रहे. क्यों? God's word went to work. परमेश्वर ने अपना काम कर दिया था. Little Georgie Carter laying down there, which you all know, some people share close. आप में से उस छोटी बच्ची जॉर्जी कार्टर को अनेक लोग काफी नजदीकी से जानते हैं जो बीमार थी. Laid there for 9 years and 8 months, couldn't even nothing to pull a draw sheet from. वह 9 वर्ष व 8 माह से बीमारी की शैया पर पड़ी थी और उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय इसके कि उसके बिस्तर की चादर बदलते रहें. From the kidneys and bowels. उसके गुर्दे आदि बिल्कुल सड़ गए थे. She weighed some 35 pounds. उसका वजन केवल 35 पाउंड रह गया था. Laying down in Milltown, Indiana. वह मिलटाउन इंडियाना में बीमार पड़ी थी. And her people belonged to a church that. और उसके घरवाले एक बैप्टिस्ट चर्च के सदस्य थे. When I went to hold a meeting there at the Milltown Baptist Church and praying for the sick. जब मैं वहाँ बैप्टिस्ट चर्च मिलटाउन में प्रार्थना सभा लेने व बीमारों के लिए प्रार्थना करने पहुँचा. That church said, if any member of this congregation attends that fanatic, we'll excommunicate him. And her father was a deacon. तो कलीसिया से कहा गया था, अगर हमारे गिरजे का कोई भी जन उस सनकी व्यक्ति की सभा में गया तो उसे हम गिरजे से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि उस लड़की के पिता गिरजे में डीकन के पद पर थे. But she got my little book called Jesus the same yesterday and forever. मगर उसके पास मेरी छोटी सी पुस्तक भी थी जिसका शीर्षक है यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है. Brother Hall, take me to her one afternoon. एक दोपहर को भाई हाल मुझे उस बीमार बच्ची के पास ले गए. Her mother run out of the house, wouldn't have nothing to do with it. उसकी माँ मुझे देखकर घर से बाहर दौड़ गई जैसे उसे कुछ लेना देना ना हो. I went in and prayed for her. मैं घर में अंदर गया और उसके लिए प्रार्थना करी. Said, well, how about that nail girl? उसने पूछा कि उस दर्शन वाली लड़की का क्या हुआ. She knew about the vision. I said, that was a vision, sister. वह दर्शन के बारे में जानती थी. मैंने कहा, बहन वो तो दर्शन में थी. I can only pray. मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता हूँ. You have faith. The poor little thing had been taught against it. तुम्हारे पास विश्वास है. उस बेचारी को विश्वास के विरुद्ध ही बातें सिखाई गई थी. You days from then, I was standing up there baptizing.
उसके कुछ दिनों के बाद मैं वहाँ एक समय खड़ा लोगों को बपतिस्मे दे रहा था। She was down there crying. और वो अपने घर घर में बिस्तर पर पड़ी चिल्ला रही थी। Which had promised that she'd come and be rebaptized again in the name of Jesus Christ if God would only heal her. और उसने कहा था और वादा किया था कि अगर परमेश्वर उसे चंगा कर दे तो वह भी यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लेने जरूर आएगी। There she had little old legs just about size of a broomstick. और बीमारी से उसकी टांगें झाड़ू की तीली की तरह से पतली हो गई थीं। They couldn't even put her on a bedpan. वे लोग उसे बेड पैन पर भी नहीं बिठा पाते थे। Her mother, yet a young woman, sat there, broke with palsy, gray-headed from watching her daughter laying there, dying by inches. और उसकी माँ जो कि अभी जवान ही थी अपनी बेटी को इंच दर इंच मरते देखकर टूट चुकी थी और उसका चेहरा पीला और बाल सफेद हो गए थे। उस बच्ची को टीबी का रोग था जो उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। She weighed some 37 pounds, I think it was, they judged her. मैं सोचता हूँ कि लोगों ने अंदाजे से उसका वजन लगभग 37 पाउंड बताया था। Couldn't raise her up high to put the bedpan on her, had to pull a draw sheet from under a rubber one. वह इतनी दुर्बल थी कि उसे उठाकर उसके नीचे बेडपान लगाना भी संभव न था और उसकी जगह सूखी रबर की शीट का प्रयोग किया जा रहा था। 9 years and 8 months she'd lay there, not even able to raise her head to see a tree that was by the window. इसी हालत में 9 वर्ष 8 माह बीत चुके थे और वह अपने गर्दन या सिर उठाकर खिड़की के पास उगे पेड़ को भी नहीं देख पा रही थी। एक दिन जब मैं पहाड़ी पर ऊपर जॉर्ज राइट्स के घर की तरफ को खड़ा था, The Holy Spirit said to me, "Rise to your feet now." Looking there, the light shining under the dogwood tree said, "Go by the way of Wright's, or go by the way of Carter's." तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि अपने पांव पर खड़े हो जाओ। मैंने देखा कि नीचे एक पेड़ के पास प्रकाश चमक रहा था। मुझे कहा गया कि राइट्स के घर के मार्ग से होकर या कार्टर्स के मार्ग से होकर चलो। When I got there, the Lord Jesus had showed her mother a sign that I was coming. और जब मैं नियत स्थान पर पहुंचा तो उसकी माँ को प्रभु यीशु ने एक चिन्ह दिया था कि मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। Walked into that girl laying down that bed. मैं अंदर उस बीमार लड़की के बिस्तर के पास पहुँचा। So weak that she couldn't even raise a sputum and cup her mother would hold it. वह इतनी कमजोर थी कि स्वयं थूकदान का प्याला भी ना उठा सकती थी। उसकी माँ उसे पकड़े हुए थी। Trying to spit in the sputum and cup with the TB. और वह टीबी रोग मिश्रित थूक बड़ी कठिनाई से उस प्याले में थूक पा रही थी। I said, Sister Georgie, Jesus Christ, the Son of God, met me yonder in the wilderness about a half hour ago and told me to come lay hands on you. Thus saith the Lord. मैंने कहा, बहन जॉर्जिया, यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है मुझे जंगल में मिला था। अभी आधा घंटा पूर्व ही उसने मुझे यहाँ आने को कहा था कि मैं तुम पर अपने हाथ रखूं। खुदावंद खुदा यूं कहता है कि तुम अपने पांव पर खड़ी हो जाओ। The sixth sense went to work. और तभी छठी चेतना गतिशील हो गई। A power struck that girl for the first time in 3 or 9 years and In 8 months she'd ever been on her feet, jumped to her feet, run into the yards and blessing the trees and the grass and everything, and went in and sat down at the piano and began to play. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. और परमेश्वर की सामर्थ ने उस लड़की को छुआ। पिछले 3 या 9 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था कि वह कूद कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बाहर दालान में वह दौड़ गई तथा वहां उगे पेड़ों पौधों व घास आदि को आशीषें देने लगी और वो पियानो पर बैठ गई और गीत बजाने लगी। देयर इज ए फाउंटेन फिल्ड विद ब्लड ड्रॉन फ्रॉम इमैनुअल जीसस। इमैनुअल की नसों से बहे लहू का एक निर्जल लबालब भरा है। क्यों? सभी तर्कों से परे की बात थी। तर्क करके वह कभी ऐसा नहीं कर पाती। I don't know now. I'll never know. Only the power of God that held her up. फिर ये शक्ति उसमें कहाँ से आई? मुझे नहीं पता। मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि उस मृत प्राय में ये तुरंत कैसे हो गया। केवल परमेश्वर की सामर्थ ने ही उसे संभाले रखा था। Her legs wasn't that big around up here at the joints. उसकी टांगे जोड़ों पर इतनी सी थी। Nothing like just like broomstick. इतनी पतली जैसी झाड़ू की सींकें हों। That's been some 12 years ago or 14, and today she's strong and healthy, going for the Lord Jesus. ये घटना बार है 14 वर्ष पुरानी है।
और अब वे बहुत स्वस्थ व हृष्ट पुष्ट है और प्रभु यीशु के लिए तैयार हो रही है। What was it? ये सब क्या था? The first time there wasn't nothing seemed to happen. पहली बार जब उसके लिए प्रार्थना करी गई थी तब लगता था कि उसका परिणाम कुछ नहीं निकला है। But reasoning would have said it couldn't happen. तर्क और उसकी दिखाई देने वाली दशा बताती थी कि कुछ न हो सकेगा। But brother, she held on to that word. लेकिन भाई उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। If God could take that crippled girl up there at Salem, that nailed girl had been crippled and paralyzed, her arms hung down like that, could heal her. She could heal her too. She believed it. उसने इस बात पर विश्वास किया कि अगर सेलेम शहर में उस अपंग लड़की को जिसके हाथ लकवे से लटके पड़े थे परमेश्वर चंगा कर सकता है तो वह उसे भी चंगा कर देगा। Brother Hall laying out her dying with a cancer, the same man took me over there. और भाई हॉल जो स्वयं कभी कैंसर से पीड़ित थे मुझे उस लड़की तक ले गए थे। His doctor in Milltown sent him up to this doctor that knew all me down here. उनके चिकित्सक ने मिलटाउन से उन्हें यहाँ न्यू एल्बनी में भेज दिया था। That's the St. Edward's Hospital. और वे यहाँ सेंट एडवर्ड्स हॉस्पिटल में भर्ती थे। I forget he brought my children. Fine man, good doctor. और यहाँ के डॉक्टर ने जो कि भले वह अच्छे डॉक्टर हैं और मेरे बच्चे का जन्म भी उन्हीं की देखरेख में हुआ था। He examined, said, cancer. उन्होंने भाई हाल का परीक्षण करके बताया कि इन्हें कैंसर है। Said to Dr. Brown down Milltown, said, he's dying. Dr. Brown said, I thought so. उन्होंने मिलटाउन में डॉक्टर ब्राउन से कहा कि इन्हें कैंसर है। इस पर डॉक्टर ब्राउन ने भी यही कहा था कि मैंने भी यही सोचा था। Took him up to his sisters down here, which is a relative of Mr. Cop, used to be the judge in the city. भाई हाल को तब उनकी बहन के घर रखा गया जो कि श्री कॉप की रिश्तेदार थी जो कि नगर में जज थे। And when he got down there, और जब वो वहाँ पहुँचे said, just keep him here till he dies. तो यही कहा गया था कि मरने तक इन्हें यहीं रखिए, इनकी मृत्यु अब शीघ्र है। And they sent for me to come down. और उन्होंने मेरे पास सूचना भेजी कि मैं वहाँ पहुँचूँ। I went day after day with my wife back there. और मैं अपनी पत्नी सहित वहाँ दिन प्रतिदिन जाने लगा। We prayed for Brother Hall. I loved him. He'd been one of my converts to Christ. मैंने भाई हॉल के लिए प्रार्थना करी। मैं उन्हें प्यार करता था कि वह उनमें से एक थे जिन्हें मैं मसीह के पास लेकर आया था। And he got lower and lower and he couldn't move his hands. और वो दिन ब दिन और अधिक दुर्बल होते गए और अब अपने हाथों को भी हिलाने में असमर्थ थे। Miss Hall said, Billy, is there something you can do? श्रीमती हॉल ने मुझसे कहा, बिली, क्या इस बारे में आप कुछ नहीं कर सकते या क्या आप कुछ कर सकते हैं? I said, there's nothing I know, sister. All I can hear a word from the Lord. मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं है बहन हॉल जो मैं कर सकूं क्योंकि इस बारे में प्रभु ने मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। मैं अपने डॉक्टर को इन्हें दिखाना चाहता हूं, मैंने कहा। उन्होंने पूछा, आपके डॉक्टर कौन हैं? मैंने कहा, डॉक्टर सैम एडियर। For x-rays and things. सैम ने उत्तर दिया कि मैं केवल यही कर सकता हूं कि इन्हें एक्सरे आदि के लिए लूजीविले भिजवा दूं। बिल सर, आई विल गिव यू रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मैं बाद में अपनी रिपोर्ट तुम्हें दे दूंगा। उन्होंने भाई हाल को एक एम्बुलेंस में डाला और उन्हें लूजीविले छोड़कर वापस आ गए। सैम कॉल्ड मी अप एंड सेड, बिली, ही हैज गॉट कैंसर ऑफ द लिवर। और सैम ने मुझे टेलीफोन पर बताया कि बिली, इनके लीवर में कैंसर है। वी कांट कट हिज लिवर आउट एंड ही लिव। हम इनको जीवित रखने के लिए इनका लीवर काट कर बाहर नहीं निकाल सकते। Said he's a preacher, he ought to be all right now. You might as well tell him he's going. उन्होंने कहा कि वह एक प्रचारक हैं और अब तक सारी बातें समझ गए होंगे, तो उन्हें ये बता दो कि उनके विदा होने का समय आ पहुंचा है। I said he's ready to go, Sam. मैंने कहा, सैम, वह तो जाने के लिए तैयार हैं। But the thing of it is, I just hate to see him go. मगर बात यह है कि मैं उन्हें इस तरह जाते देखना सहन नहीं कर पा रहा हूँ। He's my brother and I love him. वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूँ। I thought, oh God, do something for me. और मैंने सोचा, हे परमेश्वर, आप मेरे लिए कुछ कीजिए। I started to go squirrel hunting that morning. और उस सुबह मैंने गिलहरियों के शिकार का कार्यक्रम बनाया था। I looked out before day, nobody was out in the yard. और जब घर से निकल रहा था तो दिन भी पूरी तरह से न निकला था, बाहर कोई भी न था। Picked up a rifle and started to the house. और मैंने अपनी राइफल ली और घर में से बाहर को चला। There was an old rugged looking apple hanging on the wall. और मैंने देखा कि बाहर की दीवार के ऊपर एक पुराना दागदार सा दिखाई देने वाला सेब रखा था। thought, और मैंने सोचा कि मैडा ने इसे दीवार पर क्यों रख दिया है। another, और मैंने देखा तो पाया कि तभी एक के बाद एक छह सेब वहाँ टंग गए।
jerked off my hat and fell on my knees on the floor. मैंने एक झटके से अपनी टोपी उतारी और वहीं फर्श पर प्रार्थना में घुटनों पर झुक गया. Looked up there and then a great big beautiful apple come down and eat all those apples up. फिर मैंने ऊपर देखा कि एक काफी बड़ा सुंदर सा सेब आकाश से उतरा और उन 6 सेबों को खा गया. I looked standing above there and there's that same light hanging on that picture yonder. मैंने वहां पर वही ज्योति और प्रकाश देखा जो कि मेरे सिर के ऊपर चित्र में दिया गया है. Standing there and milling around said, stand on your feet. और उस प्रकाश ने वहां पर चक्कर काटते हुए मुझसे कहा, अपने पांव पर खड़े हो जाओ. Go tell Mr. Hall, thus saith the Lord, he'll not die but live. जाओ श्रीमती हॉल से कहो कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे पति न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे. I went down and told him he wasn't any different. मैंने जाकर उन्हें बता दिया मगर उनकी दशा में कुछ सुधार न हुआ था. But he believed that he held on to it. अगर उन्होंने इस वचन पर विश्वास किया. There was no difference, seemed like a day passed, no difference, a second day, no difference. मगर लगता था कि उनमें कुछ सुधार न हुआ था. एक दिन बीता कोई सुधार नहीं, दूसरा दिन बीता कुछ भी फर्क नहीं. About the third day it started and here he is living today after years and years. लगभग तीसरे दिन से उनकी हालत में सुधार आना शुरू हुआ और आज कई वर्षों के बाद भी वे स्वस्थ व जीवित हैं. Notice sitting right here, Miss Weaver. मैंने यहाँ श्रीमती वीवर को बैठे देखा था. I'm not mistaken. नहीं, मुझसे गलती नहीं हुई है. When her daughter came after healing Margie Morgan. मुझे याद है जब मर्गी मॉर्गन की चंगाई के बाद उनकी पुत्री मेरे पास आई थी. I went down there and there wasn't nothing that woman could do. She'd be dead within the next few hours. मैं उनके साथ उनके घर गया था और वो महिला वहाँ असहाय सी पड़ी थी. वे कुछ नहीं कर सकती थी और अगले कुछ घंटों में ही वे मरने वाली थी. They had a shot or two they could give her and that was all. उनके परिवार वाले केवल एक या दो इंजेक्शन ही उन्हें और दे पाते और उसके बाद वो चली जाती. It had a female operation, cancer run through her spine. उनका किसी स्त्री रोग के संबंध में ऑपरेशन हुआ था और कैंसर अंदर उनकी पूरी रीढ़ की हड्डी में फैल गया था. They scattered it when they operated. जब उन्होंने ऑपरेशन किया तो कैंसर और अधिक फैल गया था. There was nothing to do for the woman. और उनके लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता था. I wanted to talk to her about healing, but she said, "Sir, you are a minister of the Lord God." मैं उनसे चंगाई के बारे में बातचीत करना चाहता था, लेकिन उस महिला ने कहा, "आप श्रीमान प्रभु परमेश्वर के एक सेवक हैं." And I'm not worthy that you would come into my house. और मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर में आएं. Counting yourself unworthy for a minister comes. वह स्वयं को इसके लिए अयोग्य समझ रही थी कि कोई सेवक उनके घर आए. She said, "I've lived a life. I've danced and I've done things that I should not have done." उसने कहा कि मैंने विगत जीवन में ऐसे काम किए हैं, नृत्य किया है और गंदा जीवन जिया है जो मुझे नहीं करना चाहिए था. I've used bad language or whatever more. She told me her sins and she said, "I'm not worthy of it." उसने कहा कि वह गंदी भाषा बोलती रही है. उसने मुझे अपने पापों के बारे में बताकर कहा कि मैं बहुत अयोग्य हूँ. I seen she was hitting the right line. मैंने देखा कि वह सही लाइन पर जा रही थी. She'd have to get Christ in here before that sixth super sense would ever go to work. उसे मसीह को ग्रहण करना जरूरी था ताकि उसकी छठी चेतना काम करना शुरू कर सके जो कि सर्वोत्तम चेतना है. We knelt down. हम प्रार्थना में झुक गए. I talked to her about though your sins be as scarlet. मैंने उससे बातचीत करी और बताया कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के ही क्यों न हो, मसीह के द्वारा वे हिम से श्वेत बन जाते हैं. She gave her life to the Lord Jesus Christ. उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया. And when she did, she said, "Oh, I feel so different." और जब उसने ऐसा किया तो कहा, "Oh, मैं बड़ा भिन्न अनुभव कर रही हूँ." Something's happened to me. I want to shake hands with all of you. मुझे कुछ हो गया है. मैं आप सभी भाई बहनों से मिलना चाहती हूँ और हाथ मिलाकर अपनी खुशी प्रकट करना चाहती हूँ. Just then I looked out, I seen her in a vision going back behind the house to a chicken coop. और तभी मैंने घर में से बाहर की ओर देखा और एक दर्शन में उन्हें मकान के पिछवाड़े मुर्गियों के दरबे की ओर जाते देखा. I said, "Mrs. Weaver, thus saith the Lord God, you will make a trip to that chicken coop and you will live." और मैंने कहा, श्रीमती वीवर, परमेश्वर यूं फरमाता है कि आप उठकर उस मुर्गियों के दरबे की ओर जाएंगी और जीवित रहेंगी. She couldn't go the way she felt. वह उस स्थिति में जिसमें वो उस समय थी उठकर कहीं भी नहीं जा सकती थी. Cancer eat her up. कैंसर ने उन्हें पूरी तरह से खा लिया था. She couldn't go what the doctor said. She was dying. डॉक्टर्स की राय के हिसाब से भी वो बिस्तर से उठकर नहीं जा सकती थी क्योंकि वह मरने वाली थी.
And that's been, I guess, 14, 15 years ago, Miss Weaver. और अब उन्हें 14 या 15 वर्ष हो चुके हैं इस बात को, क्यों श्रीमती वीवर? 14 years ago. 14 वर्ष इस घटना को बीत चुके हैं. She staggered up to this tabernacle when she simply didn't look like she was able to get out of bed. जब वह बीमार थी तो लड़खड़ाती हुई इस आराधनालय में आई थी और उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि वह कभी बीमारी के बिस्तर से बाहर आ पाएंगी. Little old bony arms, because she promised God she'd come and be baptized in the name of Jesus. उनकी दुबली पतली हड्डियां थी, सूखी हुई, लेकिन उन्होंने परमेश्वर से वायदा किया था कि वह यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेंगी और परमेश्वर के भवन में आएंगी. We picked her up out of a wheelchair. हमने तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर उस पूल में बपतिस्मा दिया था. Almost there, chair. Took her down in the pool and baptized her in the name of Jesus, and there she sits tonight. तब उन्हें व्हील चेयर में से उठाकर यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया गया था और आज रात वो यहाँ उपस्थित हैं। Look at her if you want to see a species of health. उनकी ओर देखिए, अगर आपको अच्छे स्वास्थ्य का नमूना देखना है तो उनकी ओर देखिए. Casting down reasonings and scientific researches and everything else. ऐसा किस लिए है? क्योंकि सभी तर्क, सभी वैज्ञानिक खोजबीन और सारी बातें अलग कर दी गई थीं। Because the sixth sense went to work. और इसलिए क्योंकि छठी चेतना ने अपना काम कर दिखाया है. That's it. Look, let me say this again just for a minute. यही बात है. देखिए, मुझे इस बात को फिर से कहने दीजिए, बस एक मिनट. Jesus passed by a tree one time. एक बार यीशु मसीह एक पेड़ के पास से गुजरे. And it was a fig tree. और वो एक अंजीर का पेड़ था. And he looked at the fig tree. और उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा. Now please don't miss this. अब कृपया इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा. He looked at the fig tree. उसने उस अंजीर के पेड़ को देखा. And there was no figs on it. और उसमें कोई अंजीर न था. And he said, he cursed the tree. And said, no man eat from thee. उसने उस वृक्ष को शाप देते हुए कहा कि तुझमें से अब कोई मनुष्य फल न खाने पाएगा. The disciples looked around. चेलों ने चारों ओर उस पेड़ को देखा. Tree looked like it always did. और वो वृक्ष पहले की तरह से खड़ा रहा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था. An hour from then, it still looked the same. एक घंटे बाद भी वो वैसा ही दिखाई दे रहा था. God never opened up the earth and swallowed it up. परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया था कि धरती फट जाती और वो उसके भीतर समा जाता. God never sent a fork and lightning out of the skies and burned it to a charcoal. परमेश्वर ने आकाश से कोई बिजली भी नहीं गिराई थी कि वह उसे जलाकर राख कर देती. He could have done it. वो ऐसा कर सकता था. Sure he could. हकीकत में वो ऐसा कर सकता था. He never did those things. लेकिन यीशु ने ऐसा कुछ भी न किया था. What did happen? आखिर क्या हुआ था? The tree had been cursed. पेड़ को शाप दिया गया था. The faith of God placed against that tree's life. परमेश्वर का विश्वास उस पेड़ के जीवन के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था. There was nothing physical you could see. वह ऐसा भौतिक परिवर्तन कुछ भी न हुआ था जिसे कोई आंखों से देख सकता. But way down beneath the earth, down in the roots of the tree, death was setting in. लेकिन उस वृक्ष के तले बहुत नीचे गहराई में उसकी जड़ों में मृत्यु विराजमान हो चुकी थी. It had been cursed. उसको शापित किया जा चुका था. The sixth sense had come against it. It had to die. छठी चेतना उसके विरुद्ध उठ खड़ी हुई थी. उसे मरना ही था. Started dying from the roots. उसने अपनी जड़ों की ओर से सूखना और मरना प्रारंभ कर दिया था. That's the same thing takes place with the cancer. और कैंसर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था. That's the same thing takes place with the tumor. किसी ट्यूमर या गिल्टी के साथ भी यही होता है. That's the same thing takes place with any disease. किसी भी बीमारी के साथ ऐसा ही होता है. When that sixth sense of power of the Lord God raises up against it. जबकि परमेश्वर प्रभु की सामर्थ्य वाली वह छठी चेतना इन बीमारियों के विरुद्ध उठ खड़ी होती है. Satan come out of there. और वो चेतना कहती है कि शैतान तू यहाँ से निकल जा. You might not see no physical condition happen right away. हो सकता है देखने में आपको कुछ भी अंतर न दिखाई दे और दशा वैसी ही बनी रहे. But that faith holds there just the same. लेकिन वो विश्वास वैसे ही अडिग खड़ा रहता है. It's been cursed. बीमारी को शाप दिया जा चुका है. That sixth sense won't, that super sense won't let it go. It won't pay attention to how you feel, how you look, how you act. सर्वोत्तम चेतना इस तथ्य को भूलती नहीं तथा वो इस बात पर कोई ध्यान नहीं देती कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसे दिखाई दे रहे हैं या कैसे व्यवहार कर रहे हैं. It won't have one thing to do with it.
उस सर्वोत्तम चेतना को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता। परमेश्वर का वचन वहाँ प्रयोग किया जा चुका है। The sixth sense takes a hold of it. That's all. वो छठी चेतना उस वचन को थामे रहती है, बस यही काफी है। She goes to work. The cancer begins to dwindle away. It dies from the roots and it's gone. वह अपना काम शुरू करती है और कैंसर गायब होना शुरू हो जाता है। वह जड़ से सूखना शुरू होकर मृत होता चला जाता है और समाप्त हो जाता है। Certainly, by this same forceful sixth sense, वास्तव में इसी छठी चेतना की सामर्थ्य से ऐसा होता है। Kingdoms has crumbled. Lap one wall against another. इससे अनेकों राज्य टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गए हैं और उनकी दीवार से दीवारें टकराकर चूर चूर हो गई हैं। By this sixth sense, the Red Sea pushed back. इसी छठी चेतना से लाल सागर का जल पीछे सरक गया था। And a dry ground made a way for our children of God to escape on. और सूखी भूमि निकल आई थी ताकि उस मार्ग से परमेश्वर के बच्चे सुरक्षित जा सकें। By this same sixth sense, ये सब इसी छठी चेतना से था। Samson defied a thousand Philistines armed with armors and spears. समसून ने 1,000 उन पलिश्तियों को मार डाला था जो हथियारों से सुसज्जित थे। He had no way to defend himself but the jawbone of a wild mule. जबकि उसके पास आत्मरक्षा के लिए एक खच्चर के जबड़े की हड्डी के सिवा कुछ और न था। That sixth sense went to work and he beat down 1,000 Philistines. तब उसके लिए उस छठी चेतना ने काम करना शुरू किया और उसने 1,000 पलिश्तियों को मार डाला। Hallelujah. By this sixth sense. Hallelujah. ये सब इस छठी चेतना के द्वारा हुआ। The dead's been raised. मुर्दे जीवित किए गए हैं। By this sixth sense, mighty miracles has been performed. इस छठी चेतना से महान अद्भुत कार्य किए गए हैं। The most powerful force that ever hit the earth. इस धरती पर आने वाली शक्तियों में ये सर्वाधिक सामर्थी शक्ति है। That super sense. ये सर्वोत्तम चेतना है। Called the sixth sense. और इसे ही छठी चेतना कहा जाता है। Has nothing to do with this down here. खराब हालत या विपरीत दशा से इसे कुछ मतलब नहीं होता। If this down here declares it and says amen to it, all right, you're moving on. यदि ये खस्ता हालत इस बात का समर्थन करके आमीन कहती है तो ठीक है, आप सही पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। But regardless of what this does, believe that. लेकिन आप इसके कथन पर संदेह ना करके उस पर विश्वास कीजिए। There's where the power. विश्वास ही में तो सामर्थ है। If you believe in your heart. कहा गया है कि अगर तुम अपने हृदय में विश्वास करो। Your fifth sense of thinking lays within your brain. आपकी सोचने वाली पांचवी ज्ञानेंद्री आपके मस्तिष्क में है। But your sixth sense lays in your heart. लेकिन आपकी छठी चेतना आपके हृदय में होती है। You believe with your heart. आप पूरे हृदय से विश्वास कीजिए। Confession is made by the mouth. पापों को अपने मुंह से स्वीकार करा जाता है। You believe with your heart. आप अपने हृदय से विश्वास कीजिए। Yes, sir. That sixth sense, that powerful force. जी हाँ श्रीमान, आप उस बड़ी शक्तिशाली सामर्थी छठी चेतना पर विश्वास कीजिए। Listen, because of that sixth sense. सुनिए कि इस छठी चेतना के कारण क्या हुआ। There was a prophet thrown into a lion's den. एक भविष्यद्वक्ता को शेरों की माद में डाल दिया गया था। And because of that sixth sense, the lions couldn't eat Daniel. और उस छठी चेतना के कारण ही शेर दानियल को खा नहीं सके थे। They couldn't get near him because of that sixth sense, that super sense. उस छठी ज्ञानेंद्री की वजह से ही, जो कि सर्वोत्तम चेतना थी, शेर उसके पास भी नहीं आ पाए थे। By that same sixth sense. और उसी छठी चेतना के द्वारा ये भी हुआ। Three Hebrew children were sold into a fiery furnace and then defied the flames of the furnace. कि उन तीन इब्रानी बच्चों को धधकती भट्टी में डाला गया था और उसी के द्वारा वे उन आग की लपटों को झुटला सके। That's sixth sense. वह छठी चेतना। All reasonings would prove that they'd be burnt to death before they got to it. सभी विचार तर्क यही कहते थे कि ये लोग जलकर भस्म हो जाएंगे, उसमें गिरते ही जलकर मर जाएंगे।
But that sixth sense stayed in there for 2 or 3 hours. लेकिन उस छठी चेतना की वजह से ही वे वहाँ 2-3 घंटों तक जीवित रह पाए. And when they opened the furnace, they seen one standing among them like the Son of God. और जब लोगों ने उस भट्टी में देखा तो पाया कि परमेश्वर के पुत्र सरीखा एक चौथा मनुष्य उनके मध्य में खड़ा है. That's the sixth sense. ये छठी चेतना से हुआ था. Fires wouldn't burn it. आग उन्हें भस्म न कर पाई. Yes, sir. That same sixth sense one time that the apostle Peter was laying in jail. जी हाँ श्रीमान, ये वही छठी चेतना थी जबकि एक बार प्रेरित पतरस जेल में डाल दिया गया था. And they were going to be beheaded the next day down at John Mark's house. They had a prayer meeting. और दूसरे दिन वे उसका सिर काटना चाह रहे थे और दूसरी ओर यूहन्ना मरकुस के घर पर बाकी लोग जमा होकर उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे. That sixth sense began to accumulate around that jail. उस समय छठी चेतना वहाँ उस जेल में प्रभावी होना शुरू हुई. Where he's been covered by prayer. और उसके लिए करी जा रही प्रार्थना ने उसे सुरक्षा के घेरे में ले लिया. That sixth sense went to work. तब वो छठी चेतना अपना काम करने लगी. The pillar of fire came in the window and touched Peter and said, "Come on, get out here." और तब आग का सतून खिड़की के द्वारा वहाँ आया और उसने पतरस को छुआ और कहा, चलो उठो, यहाँ से बाहर निकल चलो. The sixth sense. ये छठी सर्वोत्तम चेतना थी. It was that sixth sense that would let Saint Paul be drowned on that mighty sea when that little ship was waterlogged. ये वही छठी चेतना थी जिसने संत पौलुस को उस समय डूबने से बचाया जब उस भयंकर समुद्री तूफान में उसके छोटे से जहाज में जल भर गया था. It was the sixth sense that kept him from being drowned. That super sense. ये वही सर्वोत्तम चेतना व छठी ज्ञानेन्द्रियां थी जिसने उसे डूबने से बचाए रखा. It was that sixth sense when the serpent bit him on the hand, he shook it off in the fire. ये वही छठी चेतना थी कि जब उसके हाथ में एक सर्प ने काट लिया था तो उसने उसे आग में छटक दिया था. The sixth sense that did that. ये सब उसी छठी चेतना ने किया था. Was that sixth sense that raised Jesus Christ from the dead? ये वही छठी चेतना थी जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया. After he laid in the ground because he believed the word of God. जबकि उसे कब्र में धरती के अंदर रख दिया गया था, इसी छठी चेतना ने उसे जिलाया क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था. Said, destroy this body and I'll raise it up again on the third day. उसने कहा था कि इस देह को तुम नष्ट कर दो, मैं उसे तीसरे दिन फिर जिला उठाऊंगा. But David said, I'll not leave my holy one see corruption, neither will I leave his soul in hell. क्योंकि दाऊद ने कहा था कि मैं अपने पवित्र जन को सड़ने न दूंगा और ना ही उसके प्राणों को अधोलोक में छोड़ूंगा. Is that super sense? ये वही सर्वोत्तम चेतना थी. Cast down the reasonings of these senses. अपनी शारीरिक इंद्रियों के तर्कों और विचारों को झटक कर दूर कर दीजिए. Believe the super sense, the sense of faith that Jesus Christ gives. उस सर्वोत्तम चेतना पर विश्वास कीजिए जो विश्वास की चेतना है और यीशु मसीह के द्वारा मिलती है. By that same sense, God spoke when there was nothing. इसी चेतना के द्वारा परमेश्वर ने मुंह से वचन कहकर सृष्टि की रचना करी जबकि कुछ भी न था. What is that sense? ये चेतना क्या है? That super sense is God. ये सर्वोत्तम चेतना ही परमेश्वर है. The faith of God in you. ये परमेश्वर का वो विश्वास है जो आपके अंदर है. The power of God that comes into you gives you the super sense. ये परमेश्वर का ही एक भाग है जो आपके भीतर आकर आप में सर्वोत्तम चेतना उत्पन्न करता है. But that same super sense, इसी सर्वोत्तम चेतना के द्वारा परमेश्वर ने रचना करी. God framed the world together with things which was not and did not appear. परमेश्वर ने इसी के द्वारा इस धरती को और इसकी अन्य चीजों को उसमें से बनाया जहाँ कुछ भी न था. He spoke his word and believed his word. उसने जो कुछ वचन कहे उन अपने कहे वचनों पर विश्वास किया. And a world shook into existence. और एक दुनिया छिटक कर अस्तित्व में आ गई. The sixth sense, the super sense. इस छठी चेतना की महिमा हुए, सर्वोत्तम चेतना की महिमा हुए. Oh God, pour it out on me. हे परमेश्वर, मेरे ऊपर इसे उंडेल दीजिए. Give it to me and everyone who needs it. मुझे और उन सभी को इसे दीजिए जिन्हें इसकी जरूरत है. Pour thy sixth sense into me, Lord. प्रभु,
आप अपनी छठी चेतना से मुझे भर दीजिए। I'm willing to surrender these five my own knowledge thoughts, casting out all reasons, Lord, let thy word be true and every man's word a lie. मैं अपनी बाकी सारी ज्ञानेंद्रियों को, उन पांचों चेतनाओं को, सभी तर्क वितर्कों को इसके अधीन समर्पित कर रहा हूँ। होने दीजिए प्रभु कि आपका वचन सत्य और सभी मनुष्यों की बातें झूठ हो। Every reasoning, every doubt be cast away. प्रत्येक तर्क, प्रत्येक संदेह अलग किया जाए। And let me walk by the super sense, the sense of the Holy Spirit. और मैं इस सर्वोत्तम चेतना यानी पवित्र आत्मा के चलाए चल सकूं। Don't you want that? क्या आप भी उसे चाहते हैं? That's the thing that we want. यही वो चीज है जो हमें चाहिए। God bless you, friend. मित्रों, प्रभु आपको आशीष दे। That's what you need. यही वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है। That super sense will ask for something. हमारे अंदर ये छठी चेतना ही जो सर्वोत्तम चेतना है विनती करेगी परमेश्वर से। And it knows that he will give it. और उसे पता है कि वह उसे देगा। It's persuaded, for he that cometh to God must believe that he is, and a rewarder of those that diligently seek him. इसके लिए याचना करनी है, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की खोज करने वालों को ये विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोज करने वालों को प्रतिफल देता है। If the sixth sense says, यदि छठी चेतना इस प्रकार से कहती है, God keeps his word. I give myself to him. I surrender all I got to him. परमेश्वर अपने वचनानुसार करता है और मैं स्वयं को उसे सौंपता हूँ और जो कुछ मुझ में है उसे समर्पित कर रहा हूँ। My sense says this will bring it to pass. My faith in God's word, then call anything else contrary to it as though it wasn't. और मेरी चेतना कहती है कि ऐसा ही होगा, परमेश्वर का वचन पूरा होगा, मुझे उसमें पूरा विश्वास है, तो इसके विरुद्ध जो कुछ भी विचार आपके हृदय में उठते हैं उन्हें इस प्रकार से नकार दीजिए मानो वे हैं ही नहीं। Abraham met God and God said, you're going to have a baby by Sarah, and him 75 and her 65. इब्राहिम की भेंट परमेश्वर से हुई थी और परमेश्वर ने उससे कहा था, तुझे सारा से एक पुत्र उत्पन्न होगा। यह तब कहा था जब वो 75 वर्ष और सारा 65 वर्ष की थी। Abraham called everything that was contrary to that as though it wasn't. इस वचन के विरुद्ध उन सभी बातों को इब्राहिम ने इस प्रकार नकार दिया था मानो वो है ही नहीं। He walked as if he'd seen God, and he believed. वह इस प्रकार वचन पर चलता रहा जैसे कि उसने परमेश्वर को साक्षात देखा था, उसने वैसे ही विश्वास किया। He called anything that said that it wasn't any reasons, anything else that the doctor might have said. उसने सभी उन विचारों, तर्कों, वितर्कों आदि को अलग रखा जो वचन विरुद्ध थे। डॉक्टर्स ने उससे कहा होगा, Why, Abraham, you're too old to do that. इब्राहिम, पुत्र पाने के लिए अब तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। That don't make a bit of difference what the doctor said, what anybody else said. लेकिन उस पर इसका कुछ प्रभाव ना पड़ा कि डॉक्टर्स या लोग क्या कहते हैं। What his own mind said, what anything else said. उसने ये नहीं देखा कि उसकी अपनी बुद्धि या लोग क्या कह रहे हैं। God was right. Amen. He stayed with it. उसकी दृष्टि में परमेश्वर का वचन सत्य था और वो उसको थामे रहा। That's the sixth sense, the super sense. यही वो छठी चेतना है, सर्वोत्तम चेतना है। God give it to me. परमेश्वर इसे मुझे दीजिए। God let me have more of it. परमेश्वर मुझे इसे और अधिक मात्रा में दीजिए। To minister to his people is my prayer. सभी सेवकों को, लोगों को इसे दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। This morning when that mother brought that little red-headed baby standing here. आज सुबह वो माँ जब अपने उस छोटे से बीमार बच्चे को लिए यहाँ खड़ी थी, the tears running down her cheeks. तब आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। I said, what's the matter, sister? मैंने पूछा था, बहन क्या बात है? She said, Brother Branham, it's got leukemia. उसने कहा था, भाई ब्रैनहम, इसको ल्यूकेमिया नामक रोग हो गया है। I felt something rise up. तभी मैंने अपने अंदर किसी सामर्थ को जीवंत होते अनुभव किया। Oh, he's a very present help in a time of trouble. ओ, परमेश्वर हमेशा संकट के समय सहायता करता है। You're not long ago. अधिक दिन नहीं हुए जब एक बार का जिक्र है। Billy and I was going down the road driving. मैं और बिली कार में जा रहे थे। Some colored boys come down the road and they were driving fast. वहाँ कुछ श्याम वर्ण के लड़के आए जो बहुत तेज कार चला रहे थे। They sideswiped the car and turned around and around and around and threw boys all over the road. और तभी उनकी कार एक और कार की साइड से टकराई और चक्कर घिन्नी खाती हुई दूर जाकर उलट गई और वे लड़के कार से बाहर सड़क पर जा पड़े। And one little fellow was pinned under the car with his back laying against the car. और उनमें से एक छोटा लड़का उस कार में बुरी तरह से फंस गया था और उसकी पीठ
कार में फंसी थी और वह उसके नीचे था. The boy jumped out and started to raise it up. He said, "Oh, please, oh, my back is breaking." और उन लड़कों ने दौड़कर उसे उठाना चाहा, मगर उसने कहा, ओ कृपया ऐसा मत करो क्योंकि मेरी कमर टूटी जा रही है. Don't you kill me, don't do it. ऐसा मत करो, मत करो, तुम मुझे मार डालोगे. And they said, "Oh, we've got to get it off if he's catching a fire." और उन लड़कों ने उससे कहा कि हमें तुमको इस कार से अलग करना है क्योंकि इसमें आग लग चुकी है. मगर उसने कहा, मुझे मत हिलाओ, तुम मुझे मार डालोगे, ऐसा मत करो, मत करो. Son, are you Christian? मैंने नीचे झुककर उस कार के नीचे से उससे कहा, पुत्र क्या तुम मसीही हो? He said, no, sir. और उसने उत्तर दिया, नहीं श्रीमान. I said, you better pray. मैंने कहा, अच्छा होगा अगर तुम प्रार्थना करो. He said, yes, sir. उसने कहा, जी हाँ श्रीमान. The sixth sense went to work. और वो छठी चेतना अपना काम करने लगी. Walked right around behind the car and I'll never know till the judgment. और वह प्रकाश उस कार के पीछे की ओर गया और जो कुछ हुआ उसे मैं न्याय के दिन तक कभी ना समझ पाऊंगा. But all of a sudden that car flipped over and was off of him and he jumped up and was all right. लेकिन अचानक वो कार खुद उछलकर उस लड़के से परे हो गई और वो लड़का उछलकर खड़ा हो गया और वह बिल्कुल ठीक था. How was it? A present help in a time of trouble. ये क्या था? परमेश्वर था जो कि संकट के समय हमेशा सहायता बनकर उपलब्ध रहता है. We were coming down from a young colored lady was driving a car in a road New Plymouth about 400 miles on it. एक बार हम आ रहे थे कि एक नवयुवती एक बिल्कुल नई प्लाईमाउथ कार में सड़क पर जा रही थी और वह नई कार थी जो लगभग 400 मील ही चली होगी. She been driving at pretty good speed. और वो युवती काफी तेज गति से कार चला रही थी. I seen the car drove its crank crash shaft all the way into the tree. और मैंने देखा कि उस कार की क्रैंक शाफ्ट टूट गई और वह दूर पेड़ों से जा टकराई. Billy and I stopped them in a snowy slick road ahead of us, but it was dry there. बिली और मैं रुक गए और हमारे सामने एक कुहासे युक्त पतली सड़क थी जो उस समय सूखी पड़ी थी. The girl, the wind's blowing so hard up in Minnesota. उस समय उस स्थान मिनेसोटा में हवा बहुत तेज चल रही थी. Till it blew the car off. You remember, Billy? और उसी तेज हवा ने कार को बहुत दूर उछाल दिया था. बिली, क्या तुम्हें वो घटना याद है? I run down there to her and she's sitting there. She said, "Oh, I'm dying. I'm dying." और मैं दौड़कर उस लड़की के पास पहुंचा था और वह बैठी कह रही थी कि मैं मर रही हूँ. They called the ambulance. Ambulance come. और लोगों ने एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस आ गई. And they had a dead man laying in the back of the ambulance. Said, "I can't take her." उसमें पीछे की सीट पर एक मुर्दा पड़ा था, इसलिए उस आदमी ने कहा कि मैं इस युवती को नहीं ले जा सकता हूँ. And so the farmer said, "Well, send somebody else quick. The woman's dying." तब वहाँ खड़े किसान ने एम्बुलेंस वाले से कहा कि जल्दी से किसी और एम्बुलेंस को भेज दो, ये युवती मरने वाली है. I walked up there and I said, "Lady, just a minute." तब मैं वहाँ उस महिला के पास पहुँचा और उससे कहा, एक क्षण मेरी बात सुनिए. She said, "Oh, don't touch me, sir. Don't touch me, my back." और उसने कहा, ओ मुझे मत छूना, मेरी कमर मानो टूट गई है. I said, "Lady, are you a Christian?" मैंने कहा, युवती क्या आप मसीही हैं? She looked at me and I said, "I'm a minister of the gospel." उसने मेरी ओर देखा और मैंने कहा कि मैं सुसमाचार प्रचारक एक सेवक हूँ. If you're dying, how is it with you and God? अगर आप मर रही हैं तो बताइए कि परमेश्वर और आपके संबंध कैसे हैं? She said, "Sir, I want to be right now." And the sixth sense went to her. उसने कहा कि इसी समय मैं परमेश्वर के साथ संबंध ठीक करना चाहती हूँ और छठी चेतना गतिशील हो गई. Hallelujah. The power of God came down. और परमेश्वर की सामर्थ वहाँ उतर आई. She could walk out of the car without anybody helping her. और वो उस कार में से बिना किसी की सहायता के बाहर निकल आई. The power of God present. The very present help in a time of trouble. परमेश्वर की सामर्थ संकट के समय सहायता देने के लिए मौजूद रहती है. We walk by faith, we live by faith. The just shall live by faith. हम विश्वास के द्वारा चलते हैं, विश्वास ही से जीवित हैं, धर्मी जन विश्वास ही से जीवित रहेगा. We must live that way. हमें इसी तरह से जीवित रहना है. How many would like to have more of the sixth super sense? आप में से कितने लोग इस छठी चेतना यानी सर्वोत्तम चेतना को और अधिक परिमाण में पाना चाहते हैं? Let us bow our heads and while we pray. आइए जबकि हम प्रार्थना करते हैं तो अपने सरों को झुकाएं. Precious Lord. अमूल्य प्रभु. Our God and our Father. हमारे पिता और परमेश्वर. Thou art so good to us. आप हमारे प्रति कितने दयालु रहे हैं. You give us five senses to live by. आपने हमें जीने के लिए पांच ज्ञानेंद्रियां दी हैं. And to walk by in this earth are to
or to touch the earth. जिनके द्वारा हम इस धरती पर रह पा रहे हैं और इस धरती की स्थितियों को अनुभव कर पा रहे हैं प्रभु. We can feel things that's to be felt with our hands. हम उन चीजों को छू सकते हैं जो भौतिक हैं और दिखाई देती हैं. Tangible things. You give us hearing that we can hear. आपने हमें सुनने वाली ज्ञान इंद्री दी कि हम सुन सकें. We're so glad of that. हम इन सब को पाकर बहुत प्रसन्न हैं. That we can hear the word of God, and by that faith cometh by hearing. ताकि हम परमेश्वर का वचन सुन सकें, जिसके सुनने के द्वारा विश्वास मिलता है. Hearing the word of God. ये विश्वास मसीह के वचन को सुनने ही से मिलता है. We're thankful for these six senses, Lord. प्रभु हम इन सभी छह चेतनाओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. May we maintain them all the days of our life. काश हम इन्हें अपने जीवन भर उचित प्रकार से प्रयोग करते रहें. But may this super sense, लेकिन ये सर्वोत्तम चेतना, may the sense of faith that belongs to the believer, जो विश्वास वाली चेतना है, ये केवल विश्वासी को ही मिलती है. Because he has to have it in order to believe, ताकि वो अपने अंदर विश्वास पैदा कर सके. Lord, give us more of it. प्रभु हमें ये चेतना और भरपूरी से दीजिए. Oh, purge it, Lord, and try us and fill us with thy goodness and thy power. ओ प्रभु हमें शुद्ध कीजिए और हमें अपने स्वभाव और सामर्थ्य से भर दीजिए. Let us walk all the days of our life by the sixth sense. काश हम अपने जीवन भर इस छठी चेतना के निर्देशन में चलते रहें. By the sense of faith that's only given by Jesus Christ. उस विश्वास की चेतना में चलते रहें जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है. That what we pray for, may we believe that we receive it. होने दें कि जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिस बात के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास करके ही उसे ग्रहण कर सकें. Have no doubt in our heart. हमारे हृदयों में इस बारे में कोई संदेह न उठे. And you promised that it would come to pass. और चूंकि आपने वायदा किया है कि ऐसा ही होना है. These who had their hands up, Lord, I'm praying for them. जिन लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठाए हैं प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ. They had needs, you know what they were. उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं जिन्हें आप जानते हैं कि वो क्या हैं. I pray that you'll bring them to pass, every one of them, may it be fulfilled, their desire. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सभी प्रत्येक जरूरतें पूरी करी जाएं, सभी इच्छाएं जो ये लोग प्रार्थना में रखे हैं पूरी हों. I asked it in Jesus' name. Amen. मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांग रहा हूँ. आमीन. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah will anything shake. Did you ever hear it before? क्या आपने पहले कभी ऐसा सुना था? Not without the music, just need faith. अब बिना संगीत के एक क्षण को श्रीमान, हम फिर से इसे गाएंगे. Faith in the Father, faith in the Son, faith in the Holy Ghost, these three are one. Demons will tremble and sinners awake. Faith in Jehovah makes anything shake. Amen. That's right. Oh, my precious faith. ये ठीक बात है. हे प्रभु, विश्वास कैसा मूल्य है. Precious, glorious faith. कितना मूल्य महिमा में होता है ये विश्वास. God, give me faith. परमेश्वर मुझे विश्वास दीजिए. By faith, Abraham. विश्वास के द्वारा ही इब्राहिम था. By faith, Isaac. विश्वास से ही इसहाक हुआ. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया. Him being yet dead, yet testified. चाहे वो मर भी गया, फिर भी उसकी गवाही उत्तम ठहरी. Oh, how we need faith. Oh, हमें विश्वास की कितनी आवश्यकता है. I love him. मैं उसे प्यार करता हूँ. I want more faith. मुझे और अधिक विश्वास चाहिए. My desire in this life and for this new year coming is more faith in God. इस नए वर्ष में जो आ रहा है और इस जीवन में मेरी यही इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के प्रति और अधिक विश्वास मिले. God, take away any doubt that's in my mind, if there should ever arise one. परमेश्वर, अगर मेरे मस्तिष्क में जरा भी संदेह कभी उत्पन्न होता है तो उसे आप दूर कर दीजिए. Satan fights at me, he fights at you, he tries to shoot his arrows. शैतान मुझसे और आपसे लड़ाई करता है,
और अपने बाण हम पर चलाने की कोशिश करता है। But may I have that shield of faith always before me? लेकिन होने दीजिए कि मैं हमेशा विश्वास की वह ढाल अपने सामने रख सकूं। To withstand the wiles of the devil. और शैतान के छल कपट का सामना कर सकूं। But to knock off his fiery darts is my sincere prayer. उसके भयंकर हमलों को अपने विश्वास के प्रहार से नाकाम कर सकूं, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष देवे। भाई नेविल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए।